Welcome everybody, welcome to the webinar. Today we are doing in the series of Tech Talk, we are doing this webinar with Nichrome India Limited today. And Nichrome is a very well known name in the packaging industry. Aaj ka pura unhone organize kiya hai ek webinar jisme aapke saath kuch experts ko bulaya gaya hai jahan pe wo aapko packaging ke various aspects ko samjhayenge. To ye hamara program iske baad प्रेजेंट होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे विच इज कॉल्ड FSNM न्यूज. और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो भी प्रोग्राम्स हैं अभी तक वो सब पसंद आ रहे होंगे. जो हमारी छोटी सी कोशिश है उसमें आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं. मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, लेकिन आपके मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप के साथ साथ मुझे यूट्यूब पे भी चाहिए सो दैट पीपल कैन नो. जो हमें नहीं जानते हैं वो सब समझ सकें कि हमारे एफर्ट को इंडस्ट्री किस तरीके से अप्रिशिएट कर रही है. तो मैं ये वेबिनार को स्टार्ट कर रहा हूँ with a small video Nichrome India का. और उसके बाद उनके जो इटालियन पार्टनर्स हैं उनका मैं वीडियो प्ले करूंगा. एक बहुत ही बैलेंस्ड कंपनी है Nichrome, जहां पे उनको लगता है कि उनको कहीं ग्लोबल एक्सपीरियंस चाहिए, ग्लोबल एक्सपर्टीज चाहिए. तो दे हैव वेरी वेल नोन पार्टनर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इटली जो कि पैकेजिंग के अंदर बहुत बड़ा नाम है. तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में दे हैव अ पार्टनर फ्रॉम इटली. वी आर गोइंग टू प्ले देयर वीडियो ऑल्सो. तो आप लोग देखिए एक बार और फिर उसके बाद मैं पराग जी को बोलूंगा कि इसको इंट्रोड्यूस करेंगे. लेट मी इंट्रोड्यूस माय टीम. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव मिस्टर पराग पटवर्धन. ही इज दी हेड ऑफ मार्केटिंग इन Nichrome इंडिया लिमिटेड. इज वेरी वेल नोन फेस राइट नाउ इन इंडिया. और Nichrome एक बहुत ही जानी मानी कंपनी में फिर से बोलूंगा. मिस्टर जोशी जो इसके ओनर हैं इज ऑलमोस्ट 80 नाउ. एंड बहुत अच्छे से उन्होंने इतने सालों में इस कंपनी को ग्रूम किया है. HP जोशी साहब जो उनके सन इन लॉ थे जो बीच में एक्सपायर हो गए थे, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ माइन. बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे. उन्होंने Nichrome को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया. एंड नाउ हिज वाइफ मृणाल जोशी इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और बहुत अच्छे से टीम को मैनेज कर रही है. देन वी ऑल्सो हैव मिस्टर विवेक चोगले फ्रॉम एका ग्लोबल, जो लास्ट सेमिनार जिन्होंने किया था. और आज भी हमने विवेक जी को इसलिए बुलाया है कि क्योंकि मशीन में जो ट्रेस जाती हैं वो फिर इन्हीं के सहयोग से जाती हैं और एक्टिविटीज होती हैं. तो ही इज विद अस. वी हैव मिस्टर इंद्रनील चितले. इंद्रनील इज फ्रॉम चितले बंधु मिठाई वाले. दे आर दी कस्टमर ऑफ Nichrome. तो हमने फर्स्ट हैंड उनको बुलाया है ताकि हमें मालूम पड़ सके कि Nichrome की मशीन का किस तरह का रिस्पॉन्स है मार्केट में. तो इंद्रनील हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देंगे. वी ऑल्सो हैव मिस्टर बैजू मेहता. बैजू भाई is a face in entire मिठाई industry for map, using map technology. और हमारे executive committee member हैं from दास पेंडावाला. बैजू भाई is an expert now. He himself, मतलब मेरी उनसे जब भी बात होती है तो हमें लगता है कि कभी कभी वो मशीनरी और टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर से ज्यादा इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी इनिशियली चीजों को R&D करके हार के जीत के करके आज अपने प्रोडक्ट को, पैकेजिंग को यहाँ तक पहुँचाया है. और एक अपने आप में एक अच्छा जाना माना नाम है बैजू भाई मेहता फ्रॉम गुजरात भावनगर. वी ऑल्सो हैव मिस्टर अनिल कुमार सैनी. एंड अनिल सैनी इज फ्रॉम भवरीलाल मिठाई वाला फ्रॉम इंदौर महू. अ बिग नेम इन मिठाई इंडस्ट्री. मुझे पूरा यकीन है कि जब भी आप कभी इंदौर जाते होंगे तो भवरीलाल की मिठाई आप जरूर ट्राई करते होंगे. और एक बहुत ही मतलब इनकी एक रेंज ऑफ मिठाई है जो बहुत पॉपुलर है. लेकिन अनिल जी इज एट ए स्टेज जहाँ पे ये लोग प्लान कर रहे हैं मैप में आने के लिए और पैकेजिंग में आने के लिए. तो मैंने अनिल जी को इसलिए रखा है कि एक बाहर से आउटसाइडर व्यू मिल जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज ऑल अबाउट इन मिठाई एंड नमकीन एंड सेवरल अदर प्रोडक्ट्स. बिकॉज मैप इज टू पैक एंड गिव शेल्फ लाइफ टू प्रोडक्ट इन मैनी फॉर्मेट्स. तो बहुत सी चीजों में मैप को यूज किया जा सकता है. अगर किसी का बियॉन्ड मिठाई या नमकीन का क्वेश्चन होगा तो हम वो जरूर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप अपने क्वेश्चंस को Q&A सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस को ले लूंगा इसके बाद. तो विद द परमिशन आई विल प्ले द वीडियो. जस्ट अ सेक, आई विल प्ले दैट. Let me just share the screen.
I hope you guys can see the screen. Is it fine? Visible? फिर जो ऑडियो नहीं है राइट तो ये थे टेक्नोवैक जो इनके इटालियन पार्टनर हैं जो कि वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजीज को सर्व करते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और इन इंडिया दिस विल कम वाया नाइक्रोम. तो नाइक्रोम ने उसको इंडियन एक्सपीरियंस और इटालियन एक्सपर्टीज के साथ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है और मैं अब आपको नाइक्रोम दिखाता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज नाइक्रोम. You can see, right? It's visible.
या सो आई होप आप लोग को एक अच्छा आइडिया मिला होगा ये वीडियोस देख के. अब मैं मिस्टर पराग को इनवाइट करूंगा कि वो एक बहुत ही ब्रीफ प्रेजेंटेशन में आपको एक्सप्लेन करें कि नाइक्रोम आपको क्या ऑफर कर सकता है और किस तरीके से नाइक्रोम आपकी मिठाई को पैक करके और उसको एक प्रॉपर शेप देके एक ब्रांडिंग एक प्रेजेंटेबल लुक दे सकता है. क्योंकि बहुत से एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं किसी एक चीज को करने के लिए. सो जो पैकेजिंग मशीनरी का एस्पेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है. आपने अच्छी टेक्नोलॉजी ले ली मैप करने के लिए, सब कुछ कर लिया, ट्रे ले लिया, लेकिन अगर आपने उसको सही से प्रॉपरली पैक नहीं कर पाए तो शायद सारा एफर्ट खराब हो सकता है. तो पराग जी इट्स ओवर टू यू नाउ. Please start your presentation and then quickly we will start, turn it into a discussion so that people can start getting idea about the industry activities. Yeah, unmute kar liye. Yeah. Yes, yes. Thank you all. Thank you, Piroji. Thank you, FSNM. Thank you to my panelists also for investing their time in this very important discussion today morning. I will conduct this presentation with a mix of languages, English and Hindi. Is that okay, Pirojji? Because yeah, our audience will mix. Haan, thoda mix. Mix rakhenge hum log. I'll start sharing my screen with my presentation. Just tell me once you see my screen. Yes. Are you able to see my screen? Yeah, you can expand it. Yeah. Is that okay? Yeah, perfect. Yeah. So today's topic for our discussion is extended shelf life with MAP technology. So I will touch upon what is MAP technology, what it comprises of, what type of trays, what type of film it requires, and then extended shelf life. What is the shelf life we talk about? और वो क्या मायने रखता है और वो मशीन की कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए क्या लगती है ये मैं आज बताने की कोशिश करूंगा. जैसे हम लोग वीडियो में देख रहे थे नाइक्रोम इंडिया लिमिटेड, वी आर अ पुणे बेस्ड कंपनी एंड देन एज यू हैव सीन दैट द कंपनी इज फॉर्म वे बैक इन 50s, लेकिन वी हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग मशीन इन 70s. सो इंडिया का जो सबसे पहला मिल्क पाउच पैकेजिंग मशीन जो था वो इंडिया के अंदर नाइक्रोम ने बनाया हुआ था और आज की तारीख में हम लोग 200 से ज्यादा मशीनें जो है वो लिक्विड मिल्क पैकेजिंग के लिए और मिल्क पाउडर पैकेजिंग के लिए हम लोग बना के बेचते हैं एंड देन आवर मशीन्स आर इंस्टॉल्ड इन ऑल लीडिंग डेरीज इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया. एट नाइक्रोम एज मेंशन बाय फिरोज जी द कंपनी इज फॉर्म बाय मिस्टर एसपी दोषी इज अवर चेयरमैन and now I am reporting to our chairperson and CEO Ms. Mrunal Joshi. So we have team of almost 180 plus competent people and then we are into packaging machines, packaging systems and filling system. जब हम लोग packaging machines बोलते हैं जब हम लोग को केवल machines पता रहता है, जब हम लोग packaging system बोलते हैं जब packaging system is for the rigid packaging. Sometime हम लोग को में समटाइम हम लोग को बॉटल्स के अंदर, हम लोग को टीन्स के अंदर बहुत सारी चीजें पैकिंग करनी रहती है, वो भी हम लोग कर सकते हैं. पैकेजिंग सिस्टम्स के अंदर हम लोग एंड टू एंड पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं राइट फ्रॉम मटेरियल हैंडलिंग, कन्वेइंग, पैकिंग, सेकेंडरी एंड टर्शरी पैकेजिंग. फिलिंग सिस्टम के अंदर हम लोग अलग अलग टाइप की फिलर जो है जो लिक्विड मिल्क के लिए, एडिबल ऑयल्स के लिए, टमेटो पेस्ट के लिए, पाउडर्स के लिए और ग्रेन्स के लिए अलग अलग टाइप के जो फिलर्स लगते हैं वो फिलर्स हम लोग बनाते हैं. एट नाइक्रोम वी हैव थ्री बिजनेस डिविजन मेनली फूड, फार्मा एंड नॉन फूड. सो माय नेम इज पराग पटवर्धन, आई एम वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर द एक्सपोर्ट बिजनेस ऑल्सो. गोइंग अहेड आई विल स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन ऑफ एमएपी. रोजी आप मेरे को बताइएगा अगर कहीं भी मैं कुछ चीज मिस कर रहा हूँ या कोई चीज अगर स्क्रीन ठीक से नहीं दिख रही है तो आप मेरे को केवल बताइएगा. Definitely, don't worry. तो हम लोग जब मैप बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी जैसे हम लोग ने दो दिन पहले के प्रेजेंटेशन में भी दिखा था एका ग्लोबल, दे हैव टोल्ड अस दैट दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी एंशियंट. हम लोग तो मतलब ये आजादी के पहले से ये टेक्नोलॉजी है लेकिन इंडिया के अंदर हम लोग ने अभी अभी इसके ऊपर गौर करना चालू करा हुआ है. तो MAP इज मॉडिफाइड एटमोस्फियर पैकेजिंग. तो व्हाट इज मॉडिफाइड, तो भी जो भी अपने इर्द गिर्द जो है
जो हम लोग को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, फाइन ट्यून करना पड़ता है, उसको बोलते हैं मॉडिफाइड। तो एयर का जो कॉम्बिनेशन रहता है, जो एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं, विच कंटेंट 79% नाइट्रोजन, 21% अप्रोक्सिमेटली ऑक्सीजन एंड 0.04% ऑफ CO2 एंड देन देयर आर सम ट्रेसेस ऑफ इनर्ट गैसेस एंड वाटर वेपर ऑल्सो। तो जब भी हम लोग को कोई भी चीज की शेल्फ लाइफ बढ़ानी रहती है, जब भी उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, MAP टेक्नोलॉजी के अंदर भी मॉडिफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस गैसेस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट के अंदर मॉइस्चर ज्यादा रहता है, कोई प्रोडक्ट के अंदर मॉइस्चर कम रहता है, कोई प्रोडक्ट के अंदर ऑयल कंटेंट फैट कंटेंट ज्यादा रहता है। तो बेस्ड ऑन दैट वी एक्चुअली मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्यों करना पड़ता है वो हम लोग अगले साइड में देखेंगे। Why MAP technology? क्यों करनी है? तो उसके अंदर हम लोग को क्या देखना है, वो कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस फॉर द मैन्युफैक्चरर। लाइक जैसे भी डेरीज है, स्वीट एंड नमकीन मैन्युफैक्चरर्स है, तो उनको वो एक कन्वीनियंस है। एट द सेम टाइम दे आर पासिंग ऑन दिस कन्वीनियंस टू देयर कंज्यूमर, देयर कस्टमर्स ऑल्सो। हम लोग MAP टेक्नोलॉजी से क्वालिटी और हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग कोविड जैसी सिचुएशन में है, वहां पे हम लोग हर चीज जो है वो शक की नजर से देख रहे हैं। बाहर से सब्जी भी लेके आ रहे हैं तो भी हम लोग को पता नहीं रहता है कितने सारे हाथों में से ये सब्जी डिलीवर हो रही है। हम लोग अगर ग्रोसरीज लेके आ रहे हैं, पर्सनल केयर का सामान भी लेके आ रहे हैं, तो भी हम लोग घर में आने से उसको अलग रखते हैं, हम लोग उसको वॉश करने के बाद ही इस्तेमाल करते हैं। तो क्वालिटी एंड हाइजीन इन फूड आइटम्स एज वेल एज इन मिठाई एंड नमकीन, इट प्लेज अ वेरी बिग एंड सिग्निफिकेंट रोल। देन इट इज अबाउट अवेलेबिलिटी ऑल्सो। तो एक बार हम लोग ने मिठाई नमकीन बनाए, हम लोग ने उसको MAP पैकिंग कर लिया, जब भी आप मेरे को पता है इसका शेल्फ लाइफ अभी इम्प्रूव हुआ है, तो हम लोग हमारी जो मिठाई है, नमकीन है, उसकी अवेलेबिलिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसका शेल्फ लाइफ बेस्ट बिफोर जो हम लोग हमारे प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन करते हैं कि ये मिठाई आज पैक हो गई है, आपने 4 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, महीने के अंदर इसको कंज्यूम करना है। तो हम लोग MAP टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ जो है वो भी बढ़ा रहे हैं। एक बार हम लोग ने क्वालिटी, हाइजीन और शेल्फ लाइफ का कंसिडरेशन में ये हम लोग अगर ले रहे हैं, तो इसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट का टेस्ट, प्रोडक्ट का फील, प्रोडक्ट का नेचर, ये सब चीज जो है हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। हम लोग उसकी लाइफ जो है वो मेंटेन, शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं। एट द सेम टाइम ये जो बहुत अहमियत वाली चीजें जो है, क्वालिटी, कलर, टेक्सचर, टेस्ट, ये हम लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द परसेप्शन ऑफ अवर ब्रांड इन कस्टमर माइंड। अल्टीमेटली हम लोग देख रहे हैं कि भारत भर में जो ब्रांड डेवलप हो गए हैं, जो एस्टेब्लिश हो गए हैं, उन्होंने एक परसेप्शन बनाया हुआ था कंज्यूमर के माइंड में, और वो उसके चलते सक्सेसफुल हो चुके हैं। और MAP टेक्नोलॉजी, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट थिंग्स। एंड देन हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दिस, बाय अडॉप्टिंग अ फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी फॉर पैकेजिंग ऑफ मिठाई, नमकीन, फ्रूट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट। Once we do that, then we will be having a complete control over the advertising and branding of our mithai, not only in our region, not only in our city, but in various part of India as well as globally also. There are certain advantages of every technology, some advantages, some disadvantages, and some benefits also, because every technology comes with some features, and then that features are offering some amount of advantage. तो सबसे बड़ा एडवांटेज MAP टेक्नोलॉजी का जो है, दैट वी आर मेंटेनिंग द क्वालिटी थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। वंस वी टॉक अबाउट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, सो फॉर प्रोसेसिंग, देन फॉर कन्वेइंग, वी हैव वेरी गुड इक्विपमेंट्स इन आवर फैक्ट्रीज, इन आवर डेरीज, इन आवर मिठाई प्रोसेसिंग प्लांट। अगर हम लोग उसको MAP मशीन के अंदर पैक करेंगे, तो वी हैव अ कंप्लीट कंट्रोल। ऑडिट जब होगी हमारे यूनिट की, जब भी हम लोग बोल सकते हैं कि एंड टू एंड वी आर मैन्युफैक्चरिंग, वी आर मेंटेनिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एज वेल एज गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस आल्सो, सो वी आर नाउ श्योर अबाउट द हाइजीन लेवल ऑफ आवर प्रोडक्ट। देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स आल्सो दैट वी नीड टू फॉलो एंड मेंटेन अबाउट द फूड सेफ्टी एंड हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स आल्सो। सो दिस MAP टेक्नोलॉजी इज गिविंग अस द एडवांटेज टुवर्ड्स द
protocol and then towards the maintaining of the protocol towards food safety. हम लोग एक production consistency इसके अंदर expect कर सकते हैं. Yeah, okay. आपका थोड़ा सा noise बीच में चला गया था. Anyways, हाँ you can take it. थोड़ा fast. हाँ, मैं ये बता रहा था advantages और benefit के बारे में ये बता रहा था. तो हम लोग good manufacturing practices, good hygiene practices, हम लोग hazard analysis और critical control point जो है वो भी MAP technology के अंदर maintain कर सकते हैं. And then we have a complete consistency and control over the productivity of our manufacturing plant. And then MAP, we can handle variety of products and capable of handling different SKUs and sizes also. This is the very beautiful point of this machine, where we can pack from 100 gram up to 1 kg in different sizes, different shapes also. When we have the advantages, then we have certain benefits also. So we are getting a shelf life extension, which is very, very important when we talk about MAP machine, which is a very good point. Waste minimization, because we now have a shelf life extension. So हम लोग ने मिठाई बना के रखी हुई है, अगर वो कंज्यूम नहीं होती है तो थोड़े दिन के बाद अपने को उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है. वो अभी ये मशीन के साथ हम लोग शेल्फ लाइफ इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वेस्ट हमारा जो है वो मिनिमाइज हो गया. And then we have maximized the profit also, because we don't need to invest into raw material, supply chain, distribution, nothing. Because this same mithai is now available for the extended shelf life with the improved quality also, with the improved taste also, with the improved quality. And then reduce need of artificial preservative by maintaining the taste and increase distribution possibilities also. Nichrome Technovac presents a pressing machine. Technovac, जैसे हम लोग ने अभी देखा है, this company is from Italy. They have a manufacturing plant in Milan, close by Milan. A leading name in manufacturing of modified atmosphere packaging machines for food products. Machines capable of taking care of modified atmosphere packaging for fresh produce, Indian mithai, snacks, and very different products. This machine need a preformed trays. Machine is able to seal, pack protective atmosphere under the protective atmosphere, that is vacuum plus gas, and with ski defect all type of trays and jars. The machine complete construction is in stainless steel. All product contact parts are in stainless steel, and which is very, very maintenance free, maintenance easy machine. And Technovac is ideal for all kind of MAP applications. So what is MAP? So MAP machine, MAP technology के लिए हम लोग को क्या चीजें की जरूरत पड़ती है? First and primest, we need a machine, a gas mixer. जैसे हम लोग ने देखा है कि N2O2, that is nitrogen, oxygen और carbon dioxide का हम लोग को जो mixture लगता है, वो gas mixer के साथ, gas analyzer के साथ हम लोग उसको fine tune कर सकते हैं. We need trays and barrier film that we have seen 2 days before during the presentation of ICA Global. And all these things should be kept and carried out in a controlled atmosphere and hygiene conditions. So this site, the machine looks like this. So whenever we talk about MAP machine, hello? Yeah. So whenever we talk about the MAP machine, so there are some automatic machines and then there are some semi-automatic machines also. Wherever the capacities are low, wherever the volumes are low, people go ahead with the semi-automatic range of machines, and then there are volumes are more, capacities are more, and then distribution, supply chain is established, people go with the automatic version also. Why to maintain the gas mixture? And then there are certain advantages, benefit, limitations, and effect also. I will just quickly run through this, because we have discussed this in detail during the ICA Global presentation also. Right. But in carbon dioxide, there are some advantages and then there are some limitations also. So effectively, we need to have this mix of carbon dioxide, nitrogen and oxygen, so as to maintain the product taste, color, texture, and then the good shelf life also. Because ek bhi iske andar ka jo composition hai, agar kam jyada ho jata hai, तो इसके अंदर बहुत ही शेल्फ लाइफ के साथ हम लोग को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, टेस्ट के साथ, टेक्सचर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, एंड देन व्हिच इज नॉट डिजायर्ड व्हेनेवर वी आर एक्चुअली गोइंग फॉर द एमएपी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी.
MEP technology, we have a good control with respect to control over the microorganisms also, because as we know, there are many microbes present in food and in air also, but then we can control aerobic microbes that requires the oxygen. So once we have a limited oxygen in our pack, there will not be any respiration for the growth of that microbe. So automatically it will get eliminated. Anaerobic microbe jo hai, they unko oxygen ki zarurat nahi padti hai. Oxygen bina oxygen wale atmosphere ke andar hi wo grow kar sakte hai, lekin wahan pe bhi hum log wo control kar rahe hain with the help of nitrogen and then carbon dioxide. So with that composition also we are getting rid of anaerobic microbe. Then microphilic microbe jo hai, that requires oxygen and very low quantity. Lekin we are not maintaining oxygen. In my further slide, I will show you how we are maintaining the oxygen up to very minimum level to take care of microaerobic microbes also. And then facultative anaerobic microbes that can respire within oxygen without oxygen also. But in combination of gases, we can get rid of all these microbes in our food products. Then it is a very significant and very important point about the shelf life and food spoilage. So what is shelf life? The definition in book is shelf life of the product is the time after the production during which it remains acceptable for consumption. Matlab shelf pe available hai produce lekin hum log kha nahi sakte hai. तो वो शेल्फ लाइफ वाला प्रोडक्ट का कुछ इस्तेमाल नहीं हो सकता. इसके लिए कोई भी प्रोडक्ट के अंदर हम लोग डेड बैच कोडिंग करते हैं और हम लोग उसके अंदर बेस्ट बिफोर भी लिखते हैं. तो शेल्फ लाइफ मेंटेन करने का मतलब भी रहता है दैट प्रोडक्ट शुड रिमेन सेम एंड बी सर्टेन टू रिटेन डिजायर्ड सेंसरी केमिकल फिजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट द शेल्फ लाइफ. And this, whenever we talk about shelf life and protection and improvement in shelf life, this should comply with the label declaration of nutritional data when stored and handled under the recommended data. But then with MAP technology, depends upon the product, shelf life can be usefully extended by 2 times up to 20 times. So this is the beautiful aspect and advantage of this machine. But then shelf life is equally depend, and then there are certain things that can influence the shelf life. Wo kya rehte hai? Basic raw material, formulation of the raw material and in the product, processing, hum log processing kaise kar rahe hain hamare mithai namkeen ka, packaging hum log kaise kar rahe hain, kaun se gas atmosphere ke andar usko hum log pack kar rahe hain. Very important point is hygiene, and then there are some point towards the supply chain also, because distribution, storage and consumer handling actually plays a very vital role with respect to shelf life. Again, I would like to mention and reiterate here is that with MAP machine hum log shelf life jo hai up to 20 times hum log usko bada sakte hain. Matlab agar koi bhi product ka shelf life samjho 10 din hai to hum log usko 6 mahine tak ka shelf life offer kar sakte hain with controlled atmosphere packaging. शेल्फ लाइफ टेस्टिंग मेथड्स भी है इसके अंदर जो बहुत सारे एस्टैब्लिश प्लेयर इंप्लीमेंट करते हैं. माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग, बायोकेमिकल टेस्टिंग, सेंसरी और माइक्रोबियल स्पॉइलेज आल्सो. सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम चीजें है ये शेल्फ लाइफ टेस्टिंग के लिए, बिकॉज इसके ऊपर अपने प्रोडक्ट की मार्केट इमेज, ब्रांड इमेज डिसाइड होने वाली रहती है. सो मेनी पीपल गेट इन्वॉल्व इन टू शेल्फ लाइफ टेस्टिंग मेथड्स ऑल्सो. And then I would like to take you to kind of packaging this MAP technology, MAP machines can offer. It can come into various shape of trays, then tubs also, buckets also, cups also, and all type of food produce. So what are that exactly? MAP ke andar hum log kya kya kar sakte? MAP machine can take care, very important, because our ambition together is we have to replace use of chocolate, consumption of chocolate chocolate from our day to day life, and then we should thirst upon Indian namkeen, Indian ethnic sweets and namkeen. So hum log agar iski availability, iski shelf life agar improve karenge, then I am sure that this will be the first choice ahead of chocolate worldwide. Again, same thing, strawberries, jackfruits, mangoes, pomegranates,
whenever I'm talking with my North Indian customers, East Indian customers, they always tell me that यार आप लोग तो बहुत lucky हो, आपके यहाँ पे अच्छे अच्छे अल्फोंसो मिल जाते हैं, जैकफ्रूट ऑल्सो अच्छे मिल जाते हैं आपके यहाँ पे. लेकिन विथ एंड देन वी आर वेरी क्लोज टू पचगणी महाबलेश्वर वेयर स्ट्रॉबेरीज आर एम्पल. सो विथ मैप टेक्नोलॉजी अ कंपनी अ प्रोसेसर प्रोसेसिंग कंपनी कैन पैक दिस गुड स्टफ गुड फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट एंड देन दे कैन डिस्ट्रीब्यूट ऑल अक्रॉस इंडिया एज वेल एज ग्लोबली ऑल्सो. वी कैन पैक पराठा समोसा इंडियन ग्रेवीज पास्ता इन MFP मशीन्स. And then very importantly, snacks, that is chips, then bakarwadi, matri, all these can be packed and then we can make it available to all the consumers pan India as well as across the globe also. Of course, dry fruits, those dry fruits are can be stored in regular atmosphere also. But then with MAP, the taste, texture, color and then importantly, availability. We can make this dry fruits available all parts. And then factors need to be considered that during packing the our produce in MAP. The MAP materials should have gas transmission rate and barrier properties also. The choice of films for MAP is largely determined by the gas water vapor transmission rate. Because every produce will have different kind of moisture. Some products will be having less moisture. कोई product के अंदर ज्यादा moisture रहेगा, उसका एक breathing rate रहेगा, लेकिन हम लोग को उसको consideration में लेना पड़ता है. Then we have materials such as PP and EVOH to provide good gas barrier properties also. Water vapor and aroma barrier properties that need to be taken into consideration. Heat sealability, which is very very important aspect of this, because it is important that hermetic seal should be formed. And there are no leakage and gas mixture is maintained inside the pack. Agar wo disturb ho gaya, agar leak ho gaya, then probably we may need to compromise with the shelf life also. And here actually comes the role of a good technology machine, good partner, those who understand all this aspect about the mithai and then the packing of mithai also. And then transparency also, because every consumer would like to check what exactly pack inside. So transparency is also a very vital element. Coming back to this combination of gases, why gas analyzer and gas mixture is required? This is only because of the vacuum. So whenever we talk about 1000 millibar pressure atmosphere, it is actually 0% vacuum and which contains 21% oxygen and then which will reduce the shelf life of our mithai. And then that has to be controlled to 0.02%. By maintaining 99% vacuum, because MAP technology, that is modified atmosphere and pressure, this is a vacuum and a gas flush technology where we vacuum the tray and then we flush combination of CO2 and nitrogen to maintain 8 millibar pressure with the residual oxygen of 0.02. Now I'll take you to the machine configuration, which is important discussion point for today's webinar. So this is the typical MAP machine. This is a automatic machine and which can right side of the slide you can see the cavity and mold denomination, where we can have a single cavity, two cavity, three cavity and four cavity tray molds of round as well as rectangular and square shape. So all typical configuration machines will come with this kind of mold arrangement. And here we can decide the machine capacity per hour, depends upon the product mithai to be packed. Ye machine jo hai wo Olympia machine hai, automatic machine, jiske andar tray movement jo hai wo manual rehta hai, semi automatic hone ke karan. एंड इसके अंदर ऑटोमेटिक है, लेकिन हम लोग वैक्यूम और गैस मिक्सचर कर सकते हैं इसके अंदर सीलिंग प्रोसेस के लिए. एंड देन यू कैन सी ऑल द फीचर्स वेयर वी आर यूजिंग ऑल यू कैन से इंडस्ट्री टॉप क्लास कंपोनेंट्स, पेस्टोनोमैटिक बुश वैक्यूम पंप एंड द कंप्लीट मशीन इज फॉर्म आउट ऑफ स्टेनलेस स्टील. तो ये मशीन के अंदर हम लोग को फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं. ये मशीन के अंदर हम लोग वैक्यूम गैस
पैकिंग कर सकते हैं ये मशीन के अंदर। इजी फील हम लोग पैकिंग करेंगे जहां पे कस्टमर्स को बहुत झगड़ना नहीं पड़ेगा ऊपर का बैरियर फिल्म निकालने के लिए। हम लोग इनसाइड कट जो पैकिंग रहता है वो भी कर सकते हैं और विथ स्किन इफेक्ट भी कर सकते हैं। ओवरऑल डायमेंशन अगर हम लोग मशीन के देखेंगे तो इट कंप्राइजेस ऑफ हाइट ऑफ 1.6 मीटर, विड्थ जो मशीन की है वो लगभग 800 mm लगभग 1 मीटर जितनी है और डेप्थ भी 1 मीटर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ये इसके अंदर ये मशीन के अंदर हम लोग लगभग 350 से 400 ट्रे एक घंटे में हम लोग पैक कर सकते हैं। When here I am talking about 90 to 100 kg of packing capacity, I am talking about 250 gram tray, which will be having a typical size of 130 by 130 mm. Then next is a very beautiful machine, which is having a rotary table, which is giving us the advantage with respect to capacity improvement. Same machine ही है, अगर ये machine अगर और ये machine हम लोग देखेंगे, लेकिन ये machine के अंदर नाइक्रोम और टेक्नोवर्क ने इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइजेशन किया हुआ है, क्योंकि हम लोग को एक मशीन जो चाहिए जहां पे उसकी जगह भी वो मशीन कम ले, जो मशीन के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी भी हम लोग को ज्यादा लगेगी। तो ये मशीन के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, ये थोड़ी देर में इसका वीडियो भी मैं प्ले करूंगा, बहुत ही अच्छी मशीन है, इंडियन कंटेक्स्ट को लेके कस्टमाइज भी किया हुआ है। और इसके अंदर हम लोग डबल कैपेसिटी ट्रे मतलब 650 टू 700 ट्रे हम लोग पैक कर सकते हैं इसके अंदर 250 ग्राम मिठाई के लिए। लगभग इसको हम लोग 150 से लेके 180 केजी तक हम लोग पैक करेंगे और बहुत ही कॉम्पैक्ट मशीन है। अगर आप देखोगे इसके अंदर हम लोग वैक्यूम गैस फ्लश कर सकते हैं, इजी फील भी है और स्किन इफेक्ट भी हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। तो कोई भी नमकीन मिठाई शॉप जो है अगर वो करना चाहता है, जिनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन मैप टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मशीन, दिस इज द हॉट किक फॉर टेक्नोवैक एंड नाइक्रो। बहुत सारी इंक्वायरी मशीन के लिए हमारे पास अभी चल रही है। और फिर ये मशीन जो है वो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी के लिए जो हम लोग बोलते हैं, जो ऑटोमेटिक है, कंटिन्यूस है और जिसके अंदर हम लोग को कैपेसिटी भी ज्यादा मिलती है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो ट्रे मूवमेंट जो ऑटोमेटिक है, यहाँ पे हम लोग को इसको मैनुअल इंटरवेंशन दे लगता है और ये फिस्टोनोमेटिक के साथ बुश वैक्यूम पंप के साथ मशीन आ जाती है। और ये मशीन अगर हम लोग देखेंगे थोड़ी सी लंबाई इसकी बढ़ जाती है अप टू 2.7 मीटर, बिकॉज ये लीनियर मशीन है जिसके अंदर हम लोग कंप्लीट इसको मैनुअल इंटरवेंशन एलिमिनेट नहीं बोल सकते लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। और हम लोग को 1000 ट्रेस तक ये मशीन की कैपेसिटी मिल जाती है और पैकिंग कैपेसिटी जो मिलती है वो अराउंड 250 kg से 300 kg तक हम लोग मिठाई पैक कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद में ये एक मशीन है जो बहुत ही मतलब कस्टमाइज करी हुई है इंडियन कंटेक्स को लेके, जहां पे हम लोग अलग अलग मोल्ड अलग अलग मिठाई अलग अलग मोल्ड के अंदर पैक करने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन द कस्टमर डिमांड ऑल्सो। तो ये डबल चेंबर मशीन है, तो जनरली हम लोग को कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए तो अलग अलग मशीनें लेनी पड़ेंगी, लेकिन हम लोग ने टेक्नोवैक इटाली के साथ इसको कस्टमाइज किया हुआ है। तो ये मशीन के अंदर हम लोग दो अलग अलग मोल्ड भी कर सकते हैं या सेम मोल्ड भी कर सकते हैं और हम लोग को इसके अंदर जो कैपेसिटी मिलेगी विच इज वेरी वेरी गुड कैपेसिटी, अराउंड 2000 ट्रेज हम लोग एक घंटे में इसके अंदर पैक कर सकते हैं और मिठाई जो है वो पर आवर पैकिंग कैपेसिटी इसकी अराउंड 400 केजी तक हो जाएगी। ये मशीन का नाम है एथेना ड्यूअल ड्राइव और ये मशीन भी बहुत ज्यादा इंक्वायरी ये मशीन के लिए आ रहे हैं अभी। तो ये था हमारे मशीन का रेंज। ये मशीन के साथ साथ में वी आर इन टू थर्मोफार्मिंग लाइन ऑल्सो, क्योंकि ये सारी मशीन जो है वो रेडीमेड ट्रे है, प्रीफॉर्म ट्रेज के लिए है, लेकिन हम लोग थर्मोफॉर्मिंग के अंदर भी है जिसके अंदर हम लोग थर्मोफॉन फॉर्मिंग के साथ पैकिंग कंप्लीट लाइन दे सकते हैं। क्योंकि हमारे आज के टॉपिक का और आज के प्रेजेंटेशन का ही सब्जेक्ट एमएपी मशीन था, तो हम लोग ने इसके अंदर थर्मोफॉर्मिंग अभी इनकॉर्पोरेट नहीं करा हुआ है, लेकिन नाइक्रोम टेक्नोवैक थर्मोफॉर्मिंग के साथ कंप्लीट एमएपी पैकिंग लाइन दे सकता है। ये जो दोनों मशीन है ऑटोमेटिक रीजन, ये कंप्लीट वॉश डाउन कंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल पार्ट कंप्लीट IP67 प्रोटेक्शन, तो हम लोग ये मशीन कंप्लीट साफ कर सकते हैं शीट एंड होने से।
अभी मैं बताना चाहूंगा आपको नाइक्रोम क्यू प्रिफर्ड चॉइस हो सकता है कोई भी जो कंपनी है, कोई भी इन्वेस्टर जो है वो एमएपी मशीन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्योंकि हम लोग 40 साल से पैकेजिंग मशीन बिजनेस में है। 5000 से ज्यादा हमारे पैकेजिंग मशीन फूड इंडस्ट्री में आज इंडिया, अफ्रीका, रशिया, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, इसके अंदर हमारी मशीन काम कर रहे हैं। एंड देन वी आर एक्सपर्ट इन सब्जेक्ट, वी आर एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू पैकेजिंग एज वेल एज फूड प्रोसेसिंग ऑल्सो। आई एम माइसेल्फ इज कमिंग विद फूड प्रोसेसिंग बैकग्राउंड एंड आई एम वर्किंग विद नाइक्रोम फॉर लास्ट 3 years नाउ। तो वी अंडरस्टैंड कौन सा प्रोड्यूस आपको पैक करना है। इट इज नॉट ओनली अबाउट द पैकेजिंग ऑफ द मिठाई, लेकिन इसके साथ साथ में प्रोसेस ऑफ द मिठाई ऑल्सो। ये हम लोग जो डोमेन नॉलेज जो बोलते हैं वो नाइक्रोम के अंदर पूरा पूरा भरा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जब हम लोग पेरिशेबल आइटम्स के साथ डील करते हैं, पैन इंडिया सर्विस नेटवर्क होना चाहिए भी कोई भी कंपनी का, जहां पे आपको सर्विस इंजीनियर जो है वो इमीडिएटली अवेलेबल हो सकता है। नाइक्रोम जैसे हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में देखा, वी हैव ऑफिसेस अक्रॉस द मेट्रोज, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, इंदौर, ऑल अक्रॉस वी हैव अवर प्रेजेंस। इन अहमदाबाद ऑल्सो वी हैव अवर ऑफिस। 40+ सर्विस इंजीनियर्स, दे आर जस्ट फोन कॉल अवे, क्योंकि हम लोग मिल्क के अंदर डील करते हैं, तो आप जानते ही हो मिल्क बीइंग अ पेरिशेबल प्रोडक्ट, हम लोग को उसको इमीडिएट सर्विस देनी पड़ती है। हम लोग एम्सी साइन करते हैं कस्टमर के साथ में, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है मशीन अप टाइम के लिए, प्रोडक्शन डाउन टाइम कम करना है और मशीन अप टाइम बढ़ाना है। एंड देन नाइक्रोम हैज कोलैबोरेटेड विद टेक्नोवैक इटाली, दे आर एक्सपर्ट इन एमएपी टेक्नोलॉजी। एंड जैसे मैं आपको बता रहा था, प्री सेल्स एंड आफ्टर सेल्स सपोर्ट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहती है, क्योंकि बहुत बार हम लोग ने ये चीज देखी हुई है कि मशीन आ जाती है कस्टमर के पास, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो मशीन शायद से अपने को रिकॉन्फिगर करनी पड़ेगी। वो चीज नाइक्रोम के अंदर वो बात नहीं होती है, क्योंकि हम लोग प्री सेल्स के दरमियान ही कस्टमर के साथ जुड़ जाते हैं, बिकॉज इट इज अ पार्टनरशिप। हमारी मशीन और आपका प्रोडक्ट, आपकी मिठाई एक साथ कंज्यूमर के पास जाने वाले हैं, तो इट इज अ पार्टनरशिप एंड इट हैज टू गो हैंड इन हैंड। तो इसके लिए नाइक्रोम ये एमएपी टेक्नोलॉजी के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे एडवांटेजियस चॉइस है। तो विद दैट फिरोज, आई एम एंडिंग माय प्रेजेंटेशन। विद योर परमिशन आई कैन रन अ स्मॉल वीडियो इफ यू अलाउ मी। फिरोजी आप म्यूट पे हैं। फिरोजी आप म्यूट पे हैं। अरे, बहुत क्विकली आप दिखा दीजिए उसको, सो दैट यू नो क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आ चुके हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये प्रेजेंटेशन आज, क्योंकि काफी लोगों ने क्वेश्चंस भेज रहे हैं और हमें वो क्वेश्चंस अगर उनके जवाब मिल जाएंगे तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंक्वायरीज, आप लोगों की जो क्वेरीज है वो क्लियर हो जाएंगी और एक प्रॉपर एक विजन मिल जाएगा। तो क्विकली यू कैन प्ले दैट वीडियो वेरी फास्ट। श्योरली सर, श्योरली। एक ही सेकंड में प्ले कर रहा हूं फिरोज जी। या या इसके अंदर अभी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आई विल ट्राई इन अ व्हाइल। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, या नो प्रॉब्लम, या मैं अब अगला क्वेश्चन मेरा बैजू भाई मेहता से है। बैजू भाई, आप क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा पुराने मैप टेक्नोलॉजी यूजर्स में से हैं, मैं इसको मैप तो बाद में कहूंगा, पहले तो ये कि ब्रांडेड और पैक मिठाई में आप सबसे पहले आए, ठीक है? फिर आपने मैप टेक्नोलॉजी चूज की तो आप मैप के उसमें काम कर रहे हैं, तो आपका आपको क्या लगता है कितना जरूरी है मिठाई वालों के लिए पैकेजिंग में आना,
और उसके बाद फिर राइट पैकेजिंग को चूज करना, थोड़ा क्विकली अगर आप उसको जवाब दे सके। अभी ये कोविड के बाद तो पूरे पूरा क्लियर दिखता है कि लोग पैक चीज पसंद ज्यादा करेंगे, पहले थोड़े से भी हिचकिचाते थे, तो अब के बाद तो पैक आइटम का ही फ्यूचर दिखता है, थोड़े टाइम बाद तो लूज तो बंद ही हो गई है, ये समझ के आप चलिए। राइट, और क्या कह रहे थे आप? आपने मतलब किस तरह के आपका एक्सपीरियंस रहा पैकेजिंग मिठाई के साथ, जो क्योंकि आपने कई साल से इसको किया है, तो आपका कितना इजी हो गया है सेल करना और रीच ऑफ शेल्फ लाइफ सब चीजें? सबसे बात तो अच्छी है कि इसके लिए शेल्फ लाइफ बढ़ गई तो हमारी रीच बढ़ गई और हम दूर तक हमारी चीज बेच सकते हैं। आज के दिनों में दुकानों लेनी और दुकानें करनी और फिर उसकी मेंटेन करनी इतनी डिफिकल्ट हो गई है, तो अगर चीज आप ऑनलाइन बेच सकते हो या तो दूर तक किसी तरह से बेच सकते हो तो ये पॉसिबिलिटी इसमें आ गई है, तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा इसका अपॉर्चुनिटी है और हमको भी बहुत कन्वीनियंट हुआ, हमारे कस्टमर ने भी बहुत अप्रिशिएट किया, और एक सेल्फ हेल्प बढ़ने से जो हमारी चीज घर जाती थी और फेंकने को होती थी, किसी को देने के लायक हो जाती थी, ऐसा अब नहीं होता। जैसे हमारे घर में चॉकलेट आती है तो चॉकलेट कभी फेंकने में नहीं जाती है, किसी को देने में नहीं जाती है, वो फ्रीज में पड़ी रहती है, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, कभी भी जरूरत होगी खाने में आएगी। जब हमारी चीज ऐसी हो जाएगी तो उसकी टक्कर की हो जाएगी, तो जरूरी है कि ये चीज में हम आ गए और ये टाइम है, अगर हम नहीं आए तो हमको आना ही चाहिए इसमें। राइट राइट, my next question is to Indraneel. Indraneel, since you are using not only map technology and packed packaging for your mithai, but you are also the customer of Nichrome. So what has been your experience so far? Aapko kaisa lagta hai ki kitna aap endorse karenge Nichrome ki machine ko public ko recommend karne ke liye? I think we've been customers of Nichrome for ever since they started. So especially with the milk pouch business. So that way, that itself is an endorsement that we have probably about 40 odd machines from them with different domains. Right, right. And from the service aspect, from the collaboration aspect, especially where there are new projects that we try to discuss with them, their team is always very enthusiastic about working out something new. So that way, that innovation that is necessary, that is where we enjoy collaborating with them. So I'll definitely endorse them for that. There is no other thing to say. They are extremely good to collaborate with, and anybody who is thinking of exploring map, they can do that with them. Yeah. Yes, and I've also seen, personally, I've also seen their long journey. Yeah, yes. You can continue. Yeah. And with regards to the map mithai, what Jaise Baiju Bhai ne bola, the thing is that the reach has increased beyond anything else. So all our general trade market, which was about distribution, which was restricted to namkeens mostly, now we are able to bring in about 30% of the revenues from the mithai sector. So all these pedas, burfis, the kaju based products, all the laddus, all of these things which we are able to pack, that has increased the range, which is helping us increase our footfall, and the customer is getting it available at a area where our store might not be present to. So that is helping. Yeah, so that's the need of the hour. Right, right, right. Wastage bach gayi, aapki range aapki badh gayi, aapki reach badh gayi, aapki shelf life badh gayi. Ye cheeze to hain. Vivek, since you are also one of the integrated part of this entire process, what do you see when you club your machine with Nichrome, what benefit customer will get if that marriage is done between your machine and Nichrome's machine? So our packaging material, basically the approach we have seen from Nichrome, I think very similar to what Indraneel said. I think they engage very early on with all the partners involved in making the project successful. So they would connect with us early on saying, okay, what are the packaging requirements? Get us the samples. They design the molds properly. So when the machine comes, it is ready to run. There are no or minimal challenges that are associated. Other thing I have seen is, meaning in general, comment is reliability and service and support for the machines. In food industry, particularly perishable food industry, that's quite critical. There are many machine suppliers out there, but if you cannot get timely support, timely service, it's going to lead to a lot of wastage of your products. Very nice. मेरे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने पैनलिस्ट को बुलाया है, मिस्टर अनिल सैनी. ही इज जस्ट इनोवेटिंग थिंग्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या
बेस्ट हो सकता है उनके प्रोडक्ट्स के लिए। अनिल जी, किस तरह की दिक्कतें आती हैं अगर जो लूज मिठाई में फिलहाल आप हैं, तो फर्स्ट हैंड किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आप किसी तरह की पैकेजिंग को यूज नहीं कर रहे हैं और सिर्फ लूज मिठाई को अपने जो आपकी जो प्राइमरी पैकेजिंग है उसके अंदर आप डाल के बेचते हैं, और अगर आप उसको पैक कर देते हो, क्या फर्क आपको महसूस लगता है दो मिठाइयों के अंदर? अनम्यूट कर। निश्चित रूप से फिरोजी, अभी जो समय है इसमें पैक्ड फूड की इम्पोर्टेंस भी मालूम पड़ी है और जरूरत भी महसूस हुई है। तो अभी जैसे मैक्सिमम जो हिंदुस्तान में जो मिठाइयां बिकती है वो सभी लोगों का ये सोचना था कि हमारे यहाँ से कौन पैक्ड लेगा और सबको फ्रेश मिलती है, तो वो अवॉइड करते थे इस तरह की किसी भी टेक्नोलॉजी में जाने में। लेकिन चूंकि अब समय बदल गया है, बस मेरा इसके अंदर अभी तक जो हमारा अनुभव रहा मैं एमएपी के लिए, उसमें यही है कि कुछ इसमें बेसिक टेक्नोलॉजी में थोड़े से समझाने की जरूरत है और थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि अभी जो जैसे एक मेरे साथी है, उन्होंने ली थी मशीन, लेकिन चूंकि जिसने भी बेची थी वो इतना आसान उसने बता दिया था कि वो ले आए, चालू भी की लेकिन फिर उन्होंने बंद करके रख ली। तो मैं उन लोगों के लिए बात करूं जो कि बहुत बेसिक है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के जो छोटे शहर है ना वहां भी वो मैप वापरे, तो उसके लिए कुछ बहुत ग्रास रूट में उनको समझाए। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर एक बफर टैंक होता है जिसके अंदर की गैस जाके मिक्स होकर और होती है। अगर मैं एक उसकी बात करूं तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पेड़ा पैक करना है, तो अब जो छोटा दुकान वाला है ना उसके वहां उसको 50 पैकेट पैक करना है पेड़े के, कुछ लड्डू के पैक करना है अलग अलग, तो वो उसमें क्या है कि जो गैस का मिक्सर है ना वो अलग अलग लगता है, किसी में 30 लगता है, 30-20 लगता है, किसी में अलग अलग लगता है, तो वो उसके अंदर एक स्टैंडर्ड की भरी होती है। तो वो क्या होता है कि उसको अब जैसे मान लीजिए लड्डू पैक किया, अब पेड़ा के लिए कुछ अलग है क्योंकि इसमें, तो वो जो है ना फिर उसको वो गैस पूरी खाली हो जाती है, खाली करना पड़ती है, फिर उसको पैक करना है, तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे एक चीज हमारे और देखने में आई थी कि जैसे अभी जो हम गैस खरीदते मान लो नाइट्रो या CO2 जो भी खरीदते हैं उसका जो प्योरिटी है उसका सर्टिफिकेट भी जरूर लें, और हम जो अंदर गैस डाल रहे हैं उसका कैलिब्रेशन भी हमको चाहिए। और एक सबसे एक जो चीज आई है वो इसका लीक चेक का कुछ भी नहीं आया अभी। जैसे मान लीजिए हमने 100 पैकेट पैक किए, लीक चेक के लिए अभी तक कुछ नहीं आया है। फिरोज भाई, हाँ फिरोज भाई, मैं थोड़ा एमएपी के लिए हमारे सब पार्टिसिपेंट को भी कह दूंगा और अनिल भाई के कुछ क्वेश्चन भी शायद उसमें आ जाएंगे। थोड़ा मैं सब पैनल का खत्म हो गए उसका भी थोड़ा वेट कर रहा था। तो भले पराग भाई ने तो बहुत अच्छी तरह से बताया, विवेक भाई ने भी पहले सेशन में एमएपी का सब बताया था। एज ए यूजर मैं जो जानता हूँ उस तरीके से हमारे पार्टिसिपेंट को समझाऊ तो थोड़ा उनकी आसानी भी हो जाएगी। एक्चुअली में एमएपी क्या है कि हम सादा वैक्यूम करें तो भी चीज वही होने वाली है, पर वैक्यूम करने से क्या होता है, खाली वैक्यूम करने से चीज की शेल्फ लाइफ तो बढ़ गई, पर जो हार्ड आइटम है जो काजू है, ड्राई फ्रूट है, पीनट से, उसको आप वैक्यूम करके बेच सकते हो क्योंकि उसको दबने वाला नहीं है। अब आपको करना क्या है कि वैक्यूम तो कर दिया, आपकी चिप दबे नहीं, इसके लिए आपको कुछ उसमें ऐसा इंसर्ट करना है जो ऑक्सीजन नहीं है, और उसका शेप जो आपकी प्रोडक्ट है मिठाई है उसका शेप ऐसा के ऐसा चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको कुछ इंसर्ट करना है, तो वो है गैस। तो ये एमएपी होता है कि आपने केला वैक्यूम किया फिर इधर गैस डाला। अब क्या है दूसरा उसका जो पार्ट है, सबसे बात हमारा, हमको एक क्वेश्चन होता है कि प्लास्टिक बैन हो जाएगी, प्लास्टिक का इतना लफड़ा हो गया था तो हम उसमें घबरा जाते हैं। तो हमारे सब पार्टिसिपेंट को मैं एक श्योरिटी देता हूं कि विवेक भाई को भी पता है, क्योंकि क्या हुआ था कि प्लास्टिक अगर यूरोप में तो अभी बैन है, हमारा जो इंडिया में जो अभी पोजिशन है पिछले बार जो हुआ था उससे बदले यूरोप में तो पूरा बैन है, पर वहां पे ये बैरियर प्लास्टिक अलाउ है। तो अगर 10 साल बाद भी इंडिया में अगर पूरा प्लास्टिक बैन आया तो भी अगले 20 साल तक बैरियर प्लास्टिक को अलाउ करेंगे,
बैरियर प्लास्टिक भी हम बार बार बोलते हैं क्योंकि यूरोप में भी बैरियर प्लास्टिक चालू है. बैरियर प्लास्टिक हम बोलते हैं तो हमारे पार्टिसिपेंट को ये नहीं समझ में आती है कि ये क्या अलग प्लास्टिक है. तो ये प्लास्टिक ही है पर प्लास्टिक के अंदर से कोई चीज आती है जाती है. प्लास्टिक का जो भी डब्बा हम देखते हैं वो सब एक सरखा प्लास्टिक नहीं होता है. तो कोई पीपी होता है, कोई पेट प्लास्टिक होता है, तो उसके अंदर न तो ऑक्सीजन आनी चाहिए न तो अंदर की नमी बाहर निकलनी चाहिए. तो उसके लिए जो स्पेशल प्लास्टिक बनती है वो बैरियर प्लास्टिक बोलते हैं. तो वो बैरियर प्लास्टिक बनाने के लिए अलाउ करेंगे अगले 20 साल तक. ये बराबर ना विवेक भाई? क्या फ्यूचर है ये है. तो मैंने भी लोगों से कहा कि प्लास्टिक इन द सेंस अभी एक क्लियर पॉलिसी गवर्नमेंट की है ही नहीं. गवर्नमेंट कहती है कि पतली पन्नी को यूज मत करो और मोटी पन्नी को यूज करो. तो वो वहीं पे खुद ही कंफ्यूज है कि पतली पन्नी कैसे पोल्यूशन कर देगी और मोटी कैसे नहीं करेगी. तो जब तक अच्छे बड़े कॉर्पोरेट प्लास्टिक के रॉ मटेरियल के सप्लाई में हैं तब तक तो मुझे लगता नहीं कुछ होने वाला है. और जो आपने बताया बैरियर के लिए वो तो बहुत ही अच्छा बताया. दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट यू हैव रेज्ड. या विवेक जी यू कैन गिव द रिस्पांस. मींस भाई आई वुड लाइक टू ऐड दैट आई हैव बीन टू इटली एंड सीन द टेक्नोवैक फैसिलिटी आल्सो टू टाइम्स विद मैटियो हु इज द ओनर देयर. And with Vivek, I was recently, before the lockdown happened, we were there in Thailand to see the Eka Global plant as well. So that way, I have personally visited both those processes to understand what exactly is happening there. And the assurances from the Indian perspective, ki legality mein, agar ye India mein istemal karna hai, toh iske liye kya limitations ho sakte hai, ye kaise hum log use kar sakte hai, aur ye karte wak hum log, we should not be breaking the law. तो ये सब जो चीजें हैं इसके अश्योरेंस के बारे में मैंने खुद देखा है. तो दैट आई कैन अश्योर एंड ऐड टू बैजू भाई कमेंट्स दैट यू नो दिस विल बी देयर. इट इज सेफ टू यूज एंड यू नो इट इज एक्चुअली समथिंग दैट कैन इफ मैनेज प्रॉपरली यूजफुल फॉर ऑल मैन्युफैक्चरर्स एज वेल. एंड ऑल्सो वन फैक्ट दैट आई वॉन्टेड टू एड इज दैट यू नो द पैकेजिंग टेक्नोलॉजी दैट इज देयर. ये जो आपका प्रोडक्ट है जो आप इसके अंदर भरोगे वो प्रिजर्व करने का काम ये पैकेजिंग टेक्नोलॉजी और बैरियर प्रॉपर्टी वाली फिल्म और ये सब चीजें करेंगी. लेकिन अंदर जाने वाला प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो पैकेजिंग आपको एक पॉइंट तक ही साथ दे सकता है. सो इफ यू रियली वॉन्ट टू यूटिलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ द पैकेजिंग योर प्रोसेस कंट्रोल योर माइक्रोबियल काउंट्स योर हाइजीन कंट्रोल ऑल शुड बी देयर ऑल्सो फॉर द प्रोडक्ट. So that if that is controlled well, the packaging will ensure it lasts for the 3 or 4 months or 6 months, whatever you intend it to last. So that is something that manufacturers need to take care of. Okay. So I think what Baiju Bhai said and Indranil said is very true. I think there is a lot of confusion about plastic ban. Maybe Firoz ji, hume ek separate session arrange karna padega. I can speak on that. I've done a lot of studies on this matter. We have technologies which are recyclable, 100% recyclable. But least to say, lot of confusion, lot of misunderstanding. And as an industry, we have to clear those doubts. Right? Sure. Mute off. Firoz ji, after mute off. Hello, Parag ji, ek chota sa point loose, miss ho gaya. एक तो वो गैस लीक वाला पॉइंट उनका बहुत अच्छा था कि गैस लीक को ट्रैक करने के लिए समझने के लिए आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है या उसमें क्या और ऐड कर सकते हैं. और दूसरा उन्होंने गैसेस के ऊपर एक और सवाल किया था. तो आइदर यू और विवेक एनीबॉडी कैन आई कैन आंसर. फिरोज जी मैं एक प्रश्न और जोड़ना चाहता था इसमें. मेरे किसी साथी ने भेजा. फिरोज जी. जी हेलो. या फिरोज जी मेरे एक साथी ने मुझे बोला था क्वेश्चन रेज करने के लिए बैजू भाई और पराग जी से है कि जैसे मान लीजिए मलाई पेड़ा है वो पैक कर दिया हमने लेकिन उनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उसके अंदर जब वो उसकी शेल्फ लाइफ भी ठीक थी सब कुछ था लेकिन जब वो खोल कर खा रहे थे उसको तो उसमें कहीं ना कहीं उनको एक स्मेल समझे है या कुछ अलग सा लग रहा था CO2 की वजह से. तो इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं बताऊं. देखो शेल्फ लाइफ जब हम बोलते हैं तो चीज खोलने के बाद खाली उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल या फंगस नहीं आई फूक नहीं आई तो हमको अच्छी मिल गई ऐसा नहीं है. खाने पर भी वो हमको ऐसी ही मिलनी चाहिए जैसी हमें अच्छी लगती है. तो कहीं ना कहीं पे कहीं मिस्टेक हो रही है. जैसे वे उसमें अगर मॉइस्चर का पार्ट थोड़ा सा ज्यादा है तो भी है. अगर पैकिंग के टाइम भी अगर आपका सब भी कंप्लायंस नहीं होता है. देखो ये खाली सीलिंग मशीन नहीं है जो हैंड सीलर हमने ले लिया और हमने चलाना चालू कर दिया. इसके लिए छोटा सा रूम भी रहेगा वो भी अच्छी तरह से क्लीन रखना है हमको.
वो भी एसी रूम चाहिए हमको, क्योंकि टेम्परेचर तो ठीक है पर मॉइस्चर भी जो है वो कंट्रोल करता है, एयर कंडीशन जो है वो एक टाइप का डिह्यूमिडिफायर है, तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में आप जब फील करोगे तो और नमी अंदर आएगी नहीं, ऐसी छोटी छोटी बात ध्यान रखेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये अगर आ रही है तो ये बरोबर नहीं हो रहा है अनिल भाई अगर। हाँ एक दूसरा भी है, एक हम विवेक भाई ने बताया था अगले सेशन में पर हाईलाइट नहीं होता है चीज, कभी कभी हम कूल चेन यूज कर सकते हैं, जैसे हमने बनाई चीज हमारे भले शेल्फ लाइफ अगर 3 महीना है 2 महीना है पर हम कूल चेन अगर यूज कर रहे हैं हमारे लिए, फिर कस्टमर को भी अगर इंसिस्ट करें तो हमारा दिमाग में ये होता है कि मिठाई अगर फ्रीज में जाएगी तो चिपचिपा जाएगी, खराब हो जाएगी, ये हमारी ही अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी चाहिए हमको कि जो चिपचिपाहट होती है वो क्यों होती है, वो ठंडक से नहीं होती है, वो नमी से होती है, और वो कब होती है जब आप ठंडी चीज बाहर निकालते हो फौरन खोल देते हो तब बाहर की नमी उसके ऊपर डिपोजिट हो जाती है। जैसे पानी का ठंडा ग्लास आपने रखा तो बाहर की बाजू में पानी आता है, वो पानी ग्लास का पानी नहीं है, वो बाहर एटमोस्फेयर का पानी है, तो ठंडी चीज में एटमोस्फेयर की नमी डिपोजिट हो जाती है। अगर आपने मिठाई का डब्बा फ्रिज में रखा, आपने बाहर निकाला एक लिया तो बाकी के ऊपर नमी डिपोजिट हो जाएगी और वो जब आप अंदर रखोगे तो वो चिपचिपाहट करेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप एमएपी करके फ्रिज में रखो और बाहर निकलो तो ठंडक उसको उड़ने दो, जब उसकी ठंडक उड़ जाए फिर आप उसके बाद खोलो या उसके बाद आप बेचो तो वो तकलीफ भी नहीं रहेगी आपकी। Right, even though the vegetables ke sath bhi hoga, kisi aur product ke sath bhi yahi hoga, to isme mithai ki koi galti nahi hai, ye to ek nature hai jo hona hi hai process. Yahi same question jo hai wo jo abhi Anil ji ne kiya, ye Girish Arora ji ne bhi pucha hai Q&A mein, ki I have seen that after opening box packed through MAP technology there is some unusual smell and dryness in the product, how can we tackle that problem. तो मुझे लगता है कि इसका आंसर दे दिया है, फिर भी विवेक आई थिंक यू कैन एड्रेस दैट पॉइंट। अब विवेक भाई तो देंगे पर उसके बीच में मैं कर दूंगा तो उसके बाद विवेक भाई करेक्ट कर सकते हैं। अगर देखो ड्राइनेस है तो वो मटेरियल कब पैक हुआ है, क्यों पैक हुआ है, और ये पीपी मटेरियल है वो सबसे ज्यादा मॉइस्चर बैरियर कैपेसिटी है। अगर कोई पेट मटेरियल का बना हुआ कंटेनर है उसमें आप मिठाई भर दोगे तो आपको मॉइस्चर बैरियर कैपेसिटी नहीं मिलेगी, आपको सबसे ज्यादा मॉइस्चर बैरियर मिलेगी वो है ये मटेरियल में, ये पीपी और EVOH, ये अगर मटेरियल का कंटेनर आप लोगे तो आपको उसमें मॉइस्चर बैरियर कैपेसिटी भी मिलेगी। अब बाकी विवेक भाई इसमें आगे कहेंगे आपको। नहीं, सबसे अच्छी बात है कि बैजू भाई जो है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रॉपरली सब चीज से स्ट्रगल करके एक प्रॉपर सिस्टम पे आए हैं, तो मुझे लगता है कि विवेक जी और पराग जी विद ड्यू रिस्पेक्ट बैजू भाई जो बताएंगे वो एक पूरी तरह से फर्स्ट हैंड होगा, वो कुछ बेच नहीं रहे क्योंकि उनका काम तो मिठाई बेचना है और उनका कंज्यूमर कोई और है, तो बहुत अच्छे व्यूज उनसे मिलेंगे हमें। तो ऑडियंस से ये है कि भाई आज हमने बैजू भाई को बुला के ऑडियंस को पूरी एक आवाज दे दी है पूरी तरह से, और अनिल भैया ने भी काफी अच्छे पॉइंट्स रेज किए, तो एनी आप लोग इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कमेंट करना चाहूंगा, बैजू भाई आई हैव सीन इज वन ऑफ द मोस्ट क्यूरियस पर्सन, उनको लर्निंग में बहुत इंटरेस्ट है, हमने काफी ट्रेनिंग सेशंस के वेबिनार्स के, ही इज ऑलवेज देयर एंड ही विल कॉल आफ्टरवर्ड्स, ही विल आस्क लॉट ऑफ क्वेरीज, ये कैसे होता है, ये किया तो क्या होगा, ये किया तो क्या होगा। आई एनकरेज ऑल ऑफ यू टू थिंक दैट वे, क्योंकि हमें स्टीरियोटाइप ब्रेक करना है, जैसे बैजू भाई ने बोला कि हम कुछ पुरानी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हमें लगता है कि दैट इज द बेस्ट, अनलेस वी चैलेंज आवरसेल्व्स वी कैन नॉट फाइंड न्यू एंड बेटर वेज। राइट तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन पर्टिकुलरली ऑन ड्राइनेस, तो वहां पे तीन फैक्टर्स है, एक तो आपका प्रोडक्ट का इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट, उसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। टिपिकली व्हेन वी स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट हम कस्टमर्स को हमेशा पूछते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की वाटर एक्टिविटी क्या है, पीएच क्या है, इनिशियल माइक्रोबियल लोड क्या है, ये बेसिक्स है। हाँ, तो ये कंसिस्टेंटली मॉनिटर होने चाहिए, मेंटेन होने चाहिए। दूसरी चीज है गैस कॉम्बिनेशन, जैसे मैं गाइडलाइन की तरह से बोल सकता हूँ, जैसे मॉइस्चर बढ़ता है तो CO2 हम बढ़ाते हैं, मगर CO2 ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाए तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे ड्राइनेस आ जाती है या प्रोडक्ट हार्ड हो जाता है, तो ये चीज हमेशा बैलेंस करनी है। करेक्ट, तो आपके इसमें प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के ऊपर काम करना है, पैकेजिंग एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना है, काफी टाइम
प्रोडक्ट अच्छे से बनाते हैं मगर पैकेजिंग रूम कंट्रोल नहीं रहती, और फिर हम क्या देखते हैं कि समर विंटर में प्रोडक्शन चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मानसून के टाइम पे प्रोडक्शन चल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। ओके, तो अदरवाइज भी उसको थोड़ा फाइन ट्यून करते रहना है साथ साथ। नहीं, आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाना है कि जहां पे आपका बाहर का वेदर का इन्फ्लुएंस कम से कम हो। वेरी राइट, वेरी वेरी पॉइंट। और जी, ये जो मेरे प्रेजेंटेशन में स्लाइड बताया था वो एक बार मैं वापस से प्लेस करना चाहूंगा, जिनको गौर करना है वो एक बार देख सकते हैं। प्लीज प्लीज। ये स्लाइड दिख रही है आपको? यस यस, दिख रही है। हाँ, तो इसके अंदर अपने को लिमिटेशंस और इफेक्ट भी दिख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो हम लोग को समझना चाहिए कौन से गैस का लिमिटेशन क्या है और एडवांटेज क्या है, और उसका मिक्सिंग अगर हम लोग ठीक से नहीं करेंगे तो बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी, बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी और बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने प्रोडक्ट के लिए हार्मफुल है। तो ये पार्टनरशिप है, ये कोलैबोरेशन है अलोंग विद ट्रे एंड फिल्म मैन्युफैक्चरर, मशीन मैन्युफैक्चरर एंड अल्टीमेटली द मैन्युफैक्चरर ऑफ द मिठाई। ये जितना हम लोग सहयोग से काम करेंगे उतना वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट का लाइफ अच्छा हो जाता है। राइट राइट। ये सेम क्वेश्चन मिस्टर राजेश बेलगांवकर साहब ने किया था, तो मुझे लगता है कि ये एड्रेस हो चुका है। अभी कोई पूछ रहे हैं कि रिगार्डिंग मैप फॉर खोआ एंड जलेबी, इसके ऊपर भी मैप काम करेगी, क्योंकि जलेबी भी अपने आप में एक एक प्रोडक्ट है जो बहुत बड़े लेवल पे स्पेशली नॉर्थ इंडिया कंज्यूम होता है, तो क्या इसमें हेल्पफुल है मैप टेक्नोलॉजी? तो मैं इस पर कमेंट करता हूँ। आई थिंक बैजू भाई ने भी और काफी लोगों ने ट्रायल्स किए, खोवा वर्क्स वेरी वेल विद मैप, काफी कस्टमर है जो कर भी रहे हैं। अभी वापस यहाँ पे आपका इनिशियल माइक्रोबियल लोड, मॉइस्चर कंटेंट कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। जलेबी भी कर सकते हैं, उसमें आपको वापस आपका शुगर का ब्रिक्स क्या है, मॉइस्चर कंटेंट क्या रहना चाहिए, ये स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो मॉइस्ट ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, उनके लिए वी हैव टू कंबाइन इट विद अनदर हर्डल, जैसे रेफ्रिजरेशन। तो जैसे जलेबी आप एमएपी विद रेफ्रिजरेशन रखेंगे, वी कैन इजीली क्रॉस अ मंथ, इवन दैट इज बेनिफिशियल। यू नो काफी चॉकलेट्स भी रेफ्रिजरेटर में ही बेचते हैं। तो काफी टाइम हमें वी हैव टू कंबाइन डिफरेंट हर्डल्स, फूड प्रोसेसिंग या फूड टेक्नोलॉजी में हमें इसे हर्डल बोलते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। और एक क्वेश्चन अनिल जी ने पहले पूछा था लीक डिटेक्शन के लिए, तो दिस इज अगेन वन ऑफ द चैलेंज वी हैव सीन इन द इंडस्ट्री। पहले तो ये सोचना चाहिए लीक आता क्यों है, व्हाई इज दैट प्रॉब्लम हैपनिंग। हाँ, पहले वहां से शुरू करते हैं, लीक आता क्यों है। If there is any inconsistency in machine operations or packaging materials, that is the number one reason. So, इसके लिए आपका मशीन का परफॉर्मेंस मेंटेनेंस रखना पड़ेगा, पैकेजिंग मटेरियल का कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। सेकेंड पार्ट, कंटेमिनेशन ऑन द सीलिंग एरिया। जब सीलिंग एरिया में कंटेमिनेशन आती है तब लीक होती है। तो इसके लिए आपके वर्कफोर्स को ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे प्रोडक्ट हैंडल करने हैं। तो ये दो चीजें हम जब अच्छे से मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, लीकर के प्रॉब्लम सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। फिर भी लीकर आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं। आर देयर टेक्नोलॉजीज टू कैच इट? यस, देयर आर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल व्हिच कैन कैच एनी लीक्स। कुछ टेक्नोलॉजीज है जो ऑनलाइन है, कुछ टेक्नोलॉजीज जो ऑफलाइन है, उसकी कॉस्ट अलग अलग है, वी कैन डिस्कस इन मोर डिटेल सेपरेटली। There are technologies available. फिरोज भाई, जो खोआ के लिए बताया, किसी ने पूछा खोआ का शेल्फ लाइफ का जलेबी का, तो उसमें विवेक भाई ने जो बताया वो सब सही है। उसमें क्या है कि खोआ में क्या होता है, हम ज्यादातर बाहर से खोआ तैयार ले लेते हैं, फिर उसकी अगर प्रोडक्ट बना के उसको हम स्टोर करेंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ हमको कम मिलेगी। अगर हमारे उधर खोआ बन रहा है और इमीजिएटली हम उसको स्टोर कर रहे हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ मिलेगी, तो ये बात भी हम देख लेना चाहिए। दूसरी एक बात पराग भाई से शायद छूट गई है कि मशीन में हमको यूवी लाइट भी बहुत बेनिफिशियल है, तो उन्हें जो जो चीज बताई, राइट? यू आर राइट। चीज हम
या तो हम जब चीज पैक करते हैं उसके पहले पहले एक बार यूवी लाइट में से हम उसको पसार कर देते हैं तो मोस्ट ऑफ माइक्रोलॉगल जो लोड रहता है वो खत्म हो जाता है और शेल्फ लाइफ हमारी बढ़ जाती है। इसमें अभी ये जो क्वेश्चन था मिस्टर शिवशंकर शुक्ला का था उसके बाद एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज लोगों ने कई बार पूछी है, कई लोगों ने पूछी तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा कि कितना एरिया चाहिए ये पूरा सिस्टम लगाने के लिए, क्योंकि अभी मिठाई इंडस्ट्री जिस तरीके से अपने आप को इनोवेट कर रही है और वो फूड प्रोसेसिंग का जो एक लार्जर पार्ट है उससे हटके है क्योंकि उनको कई बार शहर के अंदर और लिमिटेड एरिया में ऑपरेट करना पड़ता है, तो कितना एरिया मोर ऑर लेस रिक्वायर्ड होगा फॉर द एंटायर प्रोसेस? एग्जैक्टली ये स्लाइड अगर मैं रन करूंगा जो पूरा ऑटोमेटिक का मशीन है अगर आप देखोगे इसके अंदर एक सेकंड आप देख पा रहे हो ये ऑटोमेटिक मशीन है जिसकी कैपेसिटी अपने को मिलेगी 1000 ट्रेज। तो मशीन विल टेक अराउंड 2.7 मीटर लेंथ और 1 मीटर जितनी चौड़ाई रहेगी मशीन की, और फिर हम लोग को इसके इर्द गिर्द पहले और बाद में हम लोग को अरेंजमेंट करना पड़ेगा प्रोडक्ट भरने के लिए, प्रोडक्ट ट्रेस रखने के लिए, जो ट्रे पैक हो जाएंगे उसको अलग से बॉक्स में भरने के लिए वगैरह। तो आप पकड़ के चलिए एक छोटा रूम जो रहेगा जिसके अंदर अपने को एक 4 मीटर बाई 4 मीटर या 5 मीटर बाई 5 मीटर जगह मिल रही है जिसके अंदर हम एक ऑटोमेटिक मशीन प्लेस कर सकते हैं। ओके okay. हम लोग को जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो है जिसके अंदर हम लोग को एक 600 से लेकर 700 ट्रे मिल जाएंगे, ये तो बहुत ही कॉम्पैक्ट मशीन है, ये अपना 3 मीटर बाई 3 मीटर वाले रूम के अंदर भी ये काम हो सकता है। लेकिन जैसे बज्जू भाई है और इंद्रनील जी भी है जो एक्चुअल काम कर रहे हैं, दे आर हैविंग मोर आइडिया अबाउट द ओवरऑल स्पेस रिक्वायरमेंट। ओके ओके विवेक जी या इंद्रनील या यू कैन रिस्पोंड। बेसिकली जो अगर कोई नए ये सिस्टम में चालू करने का सोच रहे हैं तो दे कैन स्टार्ट विद अ सेमी ऑटोमेटिक मशीन, गेट अ फील अबाउट व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन, क्योंकि इसके साथ मशीन चालू करने के अलावा बैकएंड पे भी बहुत काम करना पड़ता है। तो ग्रेजुअली ये जैसे लर्निंग आपके पूरे स्टाफ का आपके टीम का हो जाता है और आपको एक कस्टमर का भी उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तब उसके साथ आप ऑटोमेटिक लाइन के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो कि तब वो वॉल्यूम्स जस्टिफाई हो जाते हैं। So right. you can start with a semi-automatic machine which is a tabletop machine, does not require too much space and it can be fitted normally in most workshops inside, even inside the city, if not a big factory. And right. then you can move on to a more automatic machine as volumes grow and you are also confident about the technology. Right. एक related question है कि क्योंकि अभी मिठाई industry में काफी manufacturers ऐसे हैं जो एक या दो shops या चार shop तक काम कर रहे हैं, ठीक है, limited investment होता है, तो एक छोटे बायर के लिए कितना वायबल है और उसका ब्रेक इवन मतलब किस तरीके से आ सकता है, क्या सजेशन है उनके लिए जो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके अपने, क्योंकि अब ये रिक्वायरमेंट बन जाएगी, नेसेसिटी बन जाएगी, तो हर आदमी चाहेगा इसमें इन्वेस्ट करना, तो क्या ये इतना कॉस्ट इफेक्टिव है कि जो 3-4 दुकान या 2 दुकान वाला या 1 दुकान वाला भी अपने वहां लगा के इसको चला सकता है? Shall I take this question? Yes, जी, मैं बताऊं, जो हमारे पास इंक्वायरीज आ रहे हैं, जो हम लोग कस्टमर्स के साथ डिस्कशन करते हैं ना, तो हम लोग कभी भी मशीन सेल के ऊपर बात नहीं करते, हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो वायबल है या नहीं है। जैसे इंद्रनील जी ने भी बताया कि लोग को हम लोग सजेस्ट करते हैं छोटे सेमी ऑटोमेटिक मशीन के साथ वो चालू कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल इक्विपमेंट में रहता है। हम लोग को पता भी होना चाहिए कि हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करना है, मार्केटिंग के ऊपर काम करना है, तो ये इन्वेस्टमेंट छोटे शॉप्स के लिए जिनके 2-3 दुकानें हैं, अगर वो मार्केटिंग के ऊपर सप्लाई चेन के ऊपर अगर कॉन्फिडेंट है तो एक छोटा मशीन जो है वो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है, करीबन 1 साल के अंदर ही उनका ROI निकल जाता है इसके लिए। Right. और which is very, very lucrative ROI. Right. एक बहुत ही quick yes or no में जवाब दीजिएगा। Sir, is it also useful for फाफड़ा खामन एंड चटनी पैकेजिंग? प्रतीक सेठ पूछ रहे हैं, कर सकते हैं इसको? हाँ, फाफड़ा खामन कर सकते हैं, पर लिक्विड आइटम को लिए कर गए। या पराग जी, एग्जैक्ट, पापड़ा और खमन कर सकते हैं, फर्मेंटेड प्रोडक्ट के लिए ट्रायल्स चल रहे हैं क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस अलग अलग रहता है और इसके अंदर गैस जो इवॉल्व होता है उसका रेट भी अलग अलग रहता है, तो उसका ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी वो हम लोग को केस टू केस बेसिस पे
कोलैबोरेशन में कस्टमर्स के साथ में करना पड़ेगा, मिलके कर सकते हैं। ओके, बहुत से लोग कॉस्ट पूछ रहे हैं मशीन की, मुझे उम्मीद है कि कॉस्ट तो एकदम से ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें इंटीग्रेटेड होती हैं, तो आप लोग हमें मैसेज भेज दीजिए या तो हम आपको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं कॉन्टेक्ट शेयर करता ही हूँ सबका, तो आप बात करके फिर एक कॉस्ट पॉइंट पे आ जाइएगा क्योंकि आपकी कैपेसिटी कितनी है, कितने कितने बड़ी आपको कितनी स्पीड की मशीन चाहिए, कितने आपको पर डे प्रोडक्शन, बहुत सी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, तो ये पॉइंट मतलब हम लोग बाद में कर रहे तो ज्यादा बेटर है। इसमें एक और क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट द पैकेजिंग ऑफ रसमलाई, स्पॉन्ज, रसगुल्ला एंड ढोकला, इसके ऊपर आप लोग क्या राय देंगे पराग जी? फ्रेंकली स्पीकिंग, हम लोग ने अभी गुलाब जामुन के लिए ट्रायल प्लान कर रहे हैं, हम लोग अभी तक हम लोग ने जहाँ पे भी मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड ऐसा मिक्सचर है उसका ट्रायल लिया नहीं है, लेकिन वो हम लोग कर सकते हैं उसके अंदर क्योंकि मशीन जो है इट इज सुटेबल फॉर विस्कस एज वेल एज लिक्विड प्रोडक्ट। एक चीज जो इसके अंदर है, जो शुगर सॉल्यूशन जो है उसके अंदर बैक्टीरियल लोड अलग रहता है और जो हमारा गुलाब जामुन रहेगा या रसगुल्ला रहेगा उसके अंदर बैक्टीरियल लोड अलग अलग रहेगा, तो हम लोग को ये ट्रायल लेने के बाद पता चलेगा, लेकिन आई एम श्योर मशीन कैन टेक केयर ऑफ गुलाब जामुन एज वेल एज रसगुल्ला आल्सो। ओके ओके, एक एक अच्छा सा क्वेश्चन आया, मुझे बैजू भाई से उम्मीद है ये रिप्लाई करेंगे, इज देयर एनी शेल्फ लाइफ इंडिकेटर पैकेजिंग फिल्म इन मैप जहाँ पे शेल्फ लाइफ का कोई अंदाजा हो फिल्म को देख के? शिव शंकर शुक्ला जी पूछ रहे हैं, अभी तक क्योंकि आप बहुत सी टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा इनोवेशन हुआ है क्या अभी? नहीं नहीं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं मतलब उनको बधाई दूंगा कि ये क्वेश्चन उनके माइंड में आया, क्योंकि पैकेजिंग उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड होता है शेल्फ लाइफ का, और पैकेजिंग देख के हमको पता नहीं चलेगा कि ये पैकेजिंग कैसे डिजाइन किया है, कैसे बना हुआ है, उसके ऊपर हमको सप्लायर के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा और वो अगर ठीक है तो वो मटेरियल ठीक रहेगी, बाकी उसके देखने से पता नहीं चलता और उसकी टेस्ट भी रहती है। हम जो OTR WVTR जो मटेरियल है उसमें जो इम्पोर्टेंट जो बात बताई जो पराग भाई ने, ये दो चीजें OTR और WVTR, ये OTR है वो ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट है और WVTR है वो वेपर ट्रांसमिशन रेट है, तो ये चीज हाँ तो ये चीज जो है वो सप्लायर आपको कह सकता है कि ये जो हमने ट्रेड दिया है उसका OTR WVTR ये है और उसको आप थर्ड पार्टी चेक करा सकते हो, हालांकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, एक टेस्ट 7,000-10,000 रुपए लेता है, पर अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा है मटेरियल की तो आप ऐसे टेस्ट करा के डबल वेरीफाई कर सकते हैं। राइट राइट, मैं कुछ क्वेश्चंस में ऑडियंस से भी लूंगा, तो जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है मैं उनकी आवाज को खोलूंगा, तो आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। इन बिटवीन मैं अनिल जी से पहले पूछ लेता हूं कि इनका कोई और सवाल है तो वो रखें और उसके बाद फिर मैं एक दो ऑडियंस के लोगों को लूंगा। हमारी जो वर्क फोर्स है बहुत सारी जगह वो क्या है कि मतलब इतनी अवेयर नहीं है, तो उसके लिए ये पराग जी का भी कुछ ऐसा अटैचमेंट कर सके उसमें कि वो स्कैन कर ले कि इसने ग्लव्स, मास्क या हेयर कैप पहनी कि नहीं पहनी, तो ही जैसे मशीन ऑपरेट हो, अगर ये अटैचमेंट हो जाए तो और बेटर होगा। और इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी मिठाई वाले हैं, सबको अपनी अपनी रिसर्च करके और प्रोडक्ट करना, मतलब वो कॉपी में नहीं हो पाता। कई बार क्या होता है जैसे जो बेजू भाई का पेड़ा में जो यूज कर रहे हैं वो जो जिस तरह से गैस का मिक्सर, वैसा ही मैं भी कर लूं, ऐसा हो नहीं पाता, तो सबको अपना अपना करके और करना है। पराग जी, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना पड़ेगा, तो क्या आर्टिफिशियल हो सकता है? अनिल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जो इंडस्ट्री 4.0 या 4.2 जो बोलते हैं, जिसके अंदर अपने को मशीन का जो रियल टाइम डेटा मिलना चाहिए, वो आजकल हर एक मशीन के साथ बहुत जरूरी हो गया है, जो हमारे हर एक पैकिंग मशीन के साथ रहता ही है, जो मिल्क वाली मशीन है, एडिबल ऑयल वाली मशीन है, जिसके अंदर आप आपके घर में हो या आप कहीं सफर कर रहे हो, जिसके अंदर आपको पता भी चलता है मशीन आज कितनी घंटा चली है, आज मशीन के अंदर क्यों स्टॉपेज हुए है, आप वो मशीन के साथ में आप मशीन का रनिंग वीडियो भी आपके मोबाइल के अंदर देख सकते हो। ये सारी जो चीजें है वो हमारी मशीन के साथ हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं, जबकि अपना लाइफ आसान हो सके और आप अलग चीजों के ऊपर ध्यान दे सकते हो, तो ये हम लोग ने पहले से टेक केयर किया हुआ है सर। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत क्विकली, डॉक्टर शिवव्रत साहू फ्रॉम हीरा स्वीट दिल्ली का 150 साल पुराना नाम है और बहुत प्रोडक्ट्स में ये लीड करते हैं। डॉक्टर साहू, आप अपना क्वेश्चन क्विकली पूछ लें। थैंक यू फिरोज जी।
एंड बैजू भाई बहुत बहुत नमस्कार जी, किंग हो आप. चलो एनी ऑल ऑफ द पीपल आर क्वाइट एक्सपर्टाइज, हैव लॉट मेनी फ्रॉम दिस थिंग, एंड पैकेजिंग इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन आई बिलीव, एंड ऑब्वियसली वी ऑल लुकिंग आफ्टर ऑल द थिंग्स इन द फ्यूचर. एंड एक ही चीज है जो मुझे बार बार कंसर्न है, हाउ द बैक्टीरियल ग्रोथ, बिकॉज द प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू बी लाइक, जैसे बैजू भाई ने बताया कि ये सप्लाई चेन, कोल्ड चेन सब कुछ ओके है, एंड विवेक जी ने भी ये भी शेयर किया कि पेस्टराइजेशन वो भी ओके है, रिटॉर्ट है, बट मेरे कंसर्न जो है, जो मैंने एग्जीबिशन में देखा हुआ था, प्रोडक्ट क्या है कि हम जो पैक करते हैं दैट ट्रैवल इन द एम्बियंस टेम्परेचर, व्हिच द लेबर और मे बी द टेक्नोलॉजिस्ट कैन हैंडल नाइसली, मे बी इट विल 35-40 ऐसे ही, और वहां पर क्या होता है कि बैक्टीरिया ग्रोथ हैवी होता है बिकॉज इट इज द क्रिटिकल जोन ऑफ सिटी. 15 से लेकर 60 डिग्री के अंदर कोई भी प्रोडक्ट पैक होता है उसके अंदर में बैक्टीरिया ग्रोथ हो ही जाता है. अभी मेरे कंसर्न क्या है, इसमें से हम जा रहे हैं बहुत अच्छे हैं, कंपनी भी सपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनी सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है. अभी सेकंड स्टेप क्या आएगा, फिर से आएगा भैया कोई इसके अंदर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ जो है ना, क्योंकि सब लोग उसी में जाएंगे. अभी अभी लोग कटोरी में लेते हैं, पैक कर लेते हैं, सेलोटेप लगा देते हैं, पेपर आ गया, सब कुछ ओके, कोई कुछ बोल नहीं रहा है. अभी ये चीज में आ जाएगा बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया इसके अंदर में, क्योंकि किस प्रोडक्ट में, जैसे बैजू का पेड़ा अच्छा बिकता है, इसमें शुगर रेट बहुत अच्छा है, इट इज वेरी गुड, एंड गैस चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट प्रॉब्ली हार्डली 19-20 की फर्क है, जो टेक्निकल बन पकड़ सकता है. मेरे सेफ है इस मशीन को यूज करने में, थोड़ा सा गाइड कर पाएंगे और कोई सोल्यूशन हो तो भी हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इंक्रीज, ये मशीन का जिस तरफ से यूज है मतलब कि आगे बढ़ने वाला है. तो मेरे रिक्वेस्ट है कि इसको एक तरफ से आप शेयर करेंगे, बिकॉज यू आर द टेक्निकल टीम, एंड टू बिलीव कि आई एम हेल्पिंग दिस सपोर्ट फॉर द टीम, एंड अगर आरएनडी के लिए तो मैं सपोर्ट पर्सनली कर सकता हूँ आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज मैं ऑलरेडी इस बैकग्राउंड से हूँ, कलरी बैकग्राउंड से हूँ, आई डू हैव फ्रॉम बेसिकली मैं रहा इंडस्ट्री में, आई एम शेफ बेसिकली, बट इस इंडस्ट्री में 10 साल से हूँ, 28 साल से इंडस्ट्री में हूँ मैं. तो मेरे कंसर्न है कि आई एम लुकिंग एट अ वेरी कोर ऑफ दिस प्रोडक्ट, कि वहां पर हमें कोई दिक्कत ना हो, वहां हमारा सक्सेस है. जो लेबर हैंडल कर रहा है, जो कारीगर हैंडल कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता इस बारे में, वो तो बताया कि भाई उस्ताद ने बता दिया, कारीगर ने बता दिया, ना कि कोई फूड टेक्नोलॉजी फोल्ड में ले पाएगा, कर पाएगा. टेक्निकल चीज बता रहा हूँ जो हलो इंडस्ट्री में चलता है. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके लिए आप क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं और क्या चीज प्रोसेस में है, और हम इसमें से कैसे वर्कआउट हो सकते हैं, थोड़ा गाइड करें प्लीज. एग्जैक्टली थोड़ी थोड़ी आवाज कट गई थी बीच बीच में. अगर ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ तो मेरे को आप थोड़ा सा बता देंगे कि क्या एग्जैक्टली चाहिए, समझ में नहीं आया मेरा लंबा क्वेश्चन. बैक्टीरियल ग्रोथ जो है प्रोडक्ट का, उसके बारे में थोड़ा समझना चाहते हैं. प्रोडक्ट जो पैकिंग होती है उसकी बैक्टीरियल ग्रोथ, क्योंकि जो प्रोडक्ट पैक होता है वो 15 से लेकर 60 डिग्री के बीच में पैकिंग होती है, और ये क्या होता है, उसके अंदर गैस फ्रॉस करते हैं और प्रोडक्ट का लाइफ बढ़ जाता है. तो प्रोडक्ट का लाइफ बढ़ने के बाद में जो बैक्टीरिया अंदर रहता है, विच इज वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन. अभी तो हम पता नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी हम जो चीज ले रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा पूछना था मोटा मोटा. बरोबर है. देखो, अगर हम चीज कोई बना रहे हैं तो जितनी जल्दी उसकी, अगर ड्राइंग कोई टाइम है तो ड्राइंग टाइम उसको दे दिया, उसको जितना एम्बियंट पे रखना था वो रख लिया, फिर उसको फौरन हमको पैक करना है. जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतना उसमें माइक्रो लोड मल्टीप्लाई होगा, इसके लिए जितना जल्दी हो उतना हम पैक कर ले, और बनाने के टाइम जितना ध्यान रखा है हमने जैसे, तो वो हमको बेनिफिट करेगा. फिर दूसरा आता है, हम जो वहां पे पैक कर रहे हैं वो रूम, अगर रूम आप बना ही रहे हो तो मेरा आपको सबको सजेशन है कि आप उसको इपोक्सी कोटिंग करो. उसका फ्लोर है, उसकी वॉल है, उसको अगर आप इपोक्सी कोटिंग करोगे तो उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया रहेगा नहीं, कोई रूम में बैक्टीरिया नहीं रहेगा. फिर आप एसी को जरूर मशीन के साथ लगाना ही है, और उसके लिए आप रिकमेंडेड करता हूं तो उसमें वहां पे तो फिर रूम में तो वो हो जाएगा बरोबर टेम्परेचर. और फिर आप जो ट्रे है वो ट्रे को, और दूसरा आपका जो मटेरियल है उसको यूवी में पास करो. आप जो ट्रे ले रहे हो उसमें भी वो दूसरे कहीं कारखाने में बन रही है, वहां पे भी कैसी हाइजीनिक है वो भी तो आपको पता नहीं है, पर हम ट्रस्ट कर रहे हैं कि वहां से अच्छी आ रही है, तो फिर भी हम उसको एक बार यूवी लाइट में पास कर दिया, फिर हमने हमारी प्रोडक्ट रखी, फिर हमने सील किया, तो फिर उसमें चांसेस है कि हमारा बैक्टीरिया कम होगा. पर अगर फिर भी आप उसको एम्बिएंट पे रखते हैं तो उसमें उसका ग्रोथ तो चालू ही रह गया. अगर आप कूल चेन जहां तक मेंटेन कर सकते हो वहां पे करो तो बेस्ट है. बराबर, ये ठीक है भाई, ये ठीक है, लेकिन कंसर्न क्या है ना कि देखो 97 डिग्रीज के ऊपर में बैक्टीरियल ग्रोथ हैंडलिंग कर सकता है बंदा, सीधा जो थर्मलाइजेशन पैकर में जा सकता है,
कुछ भी हो सकता है, बट मेरे कहने का मतलब जब हम प्रोडक्ट को निकालते हैं, निकालने के बाद उसको कलस्त्र में डाला, ठंडा किया, तभी लड़का उसमें पैकिंग करेगा, साइज करेगा, कुछ बनाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। वो कब हो सकता है? वो कोल्ड चेन में हो सकता है, हॉट चेन में तो बिल्कुल लड़का नहीं कर सकता। जैसे कि सोन पापड़ी बनता है, कारीगर उसमें एक्सपर्ट होते हैं, सोन पापड़ी को चीनी को तलते हैं, एक्सपर्ट होते हैं वो, और कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब पेड़े का चीज है या बर्फी का चीज है, मेरे को एक चीज समझना है, ये प्रोडक्ट कोल्ड चेन में, इन द सेंस की जब प्रोडक्ट निकलता है 95-92 डिग्री में निकलता है, उसको हमने क्या किया, सीधा ब्लास्ट कर लिया। ब्लास्ट करने के बाद फिर हमने कोल्ड चेन मेंटेन की, तो इसमें सक्सेस हो सकता है मशीन, देन इट विल बी वेल एंड गुड। बिकॉज हॉट में आप भी जानते हो कि गरम गरम पैक नहीं हो सकता और बन भी नहीं सकता लड्डू। तो नहीं, नहीं, आपको ऐसे गरम, जैसे आपको ऐसे, जिसे हम एक्सपोर्ट के लिए ब्लास्ट फ्रीजर में चील करके कोई फील कर रहे हैं और सील कर रहे हैं, इस तरह से नहीं करना है। आप अगर आप कोई हॉट चीज अगर बन रही है तो आप उसको थोड़ा एम्बियंट पे आने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर रखो, बहुत बड़ा टेम्परेचर भी नहीं। अच्छा। क्योंकि मॉइस्चर भी रिलीज होनी चाहिए ना, जो गर्म चीज हमारी बनेगी, लड्डू पेड़ा कोई भी बनेगा, तो उसमें मॉइस्चर तो रहेगा, अननेसेसरी मॉइस्चर रहेगा, वो आपको चाहिए नहीं। वो आपको रिलीव करने के लिए अगर आप उसको ब्लास्ट चीज में चील कर दोगे तो फिर वो मॉइस्चर रिलीज कब होगी? आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसको एम्बियंट टेम्परेचर पे ही उसकी मॉइस्चर रिलीज हो जाने देनी है, तभी वो नॉर्मल। So we'll take next question. इसके बाद हम लोग one-on-one discuss कर लेंगे after the recording. Anybody, Mr. Pankaj Puri wants to ask something. Pankaj ji, आप चाहे तो अपना question पूछ सकते हैं. You have raised your hand, Pankaj Puri ji. Okay, Mr. Shiv Shankar Shukla, आप अगर अपना question पूछना चाहते हैं, आपके दो questions तो मैंने already वहाँ पे लिए थे. Are you able to listen to me? Yes, yes, sir. Yes, sir. Thank you very much for conducting such a nice webinar. I am basically a food technologist from Jawaharlal Nehru Agricultural University. I am professor over there. And my question, in my town, it's a very major problem, rather khova jalebi. There are two kinds of jalebi. One is made from maida and another one is made from directly from khova. And it is a specialty kind of jalebi which is very prevalent in Madhya Pradesh and all. Are you from Burhanpur? No, I am from Madhya Pradesh and Jabalpur. Burhanpuri jalebi is very popular, na? Khova jalebi to. You see, jalebi is our Indian traditional sweet meat. And government of India is thinking a lot of to promote this our Indian traditional sweet. Because you see, khova jalebi people take from here and to London. London लेके जाते हैं और बाहर बच्चे जो लोग हैं वो लेके जाते हैं, बॉम्बे लेके जाते हैं. But there is a Badkul sweets over here at Jabalpur and Badaria sweets. They make the sweets. It's not ये ऐसी sweets नहीं है जो कि हर कोई बना सकता हो. जैसे but ये जो Indian Railways ने इस problem को tackle किया था. रेलवे गवर्नमेंट रेलवे चाहती है कि खोवा जलेबी ट्रेन में थ्रू आउट द कंट्री सप्लाई हो, बट इसका शेल्फ लाइफ एक हफ्ते से ज्यादा नहीं है. तो स्पेशली स्वेमियर को मैंने अटेंड करने के लिए सोचा, मैंने कहा व्हाई नॉट आई विल गेट समथिंग, कुछ इनपुट मुझे मिले. सर कोई रिस्पॉन्ड करेंगे खोवा जलेबी के लिए किस तरीके से पैकिंग की जा सकती है? तो ये सर या आपको आंसर देते हैं या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या खोवा जलेबी की पैकिंग के लिए कैन बी हैव एमएपी टेक्नोलॉजी? नंबर वन, एमएपी पैकेजिंग हो सकती है, शेल्फ लाइफ बढ़ सकती है. आप जितनी अभी ले रहे हो उससे आप ये मान के चलो कि 3 times 4 times आपको मिलेगी, एमएपी पैकिंग करेगी 100% मिलेगी खोवा जलेबी. ठीक है सर, मैं वेंडर्स को जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स हैं बड़कुल से उनको नेस्कॉम का एड्रेस दूंगा, वो आप लोगों को कॉन्टेक्ट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बहुत क्विकली लूंगा. विनय जी थे, विनय नागपाल जी, आई थिंक मुझे उनका अभी आईडी नजर नहीं आ रहा. रुद्र प्रताप सिंह जी कुछ पूछना चाहते हैं. रुद्र जी आप क्विकली एक क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, देन आई विल हैव टू फिनिश दिस सेशन. कैन यू हियर मी नाउ? यस यस. इट्स अ वेरी गुड सेशन फिरोज, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. Thank you for everybody, all your support. A small thing that we are basically consulting firm for designing for facilities. So my question is from a different perspective. We design all these facilities.
When I was going through all this discussion, there are three parts to it which I look at. One specific part that we are looking at a cold chain, we are looking at a normal temperature. There's a third part which I feel is a very important part and should be an integral part of a discussion is, if I am manufacturing and taking it to minus 18 or the temperature level, and then I'm taking it out to an ambient or maybe a chilled format, right? So is there any kind of protocol that you people have started working on it? And specifically, my question comes in the terms of where there was a crystallization issue. Right, the combination of a crystallization issue and the rigidity because of converting it from minus 18 to ambient. Of course, the vapor deposition, those spikes are not there. It is within the MAP pack that we have to migrate it. So how will that work on a long-term period? Because that is one thing, if you are able to address, then the peaks of mithai that comes in typically in terms of our festive season, because all our mithai businesses, well, everybody will agree to me that throughout the year, in 45 days, what we sell, we do not sell in the 100 days. So these are three peaks that we get Rudra ji is a known consultant. So hopefully, agar ye address hoga, to he will be able to get some good business to you guys. So anybody, Vivek, can you respond to this? Definitely. So we have done some trials. Some of our customers do use freezing as a means of extending shelf life, particularly for exports. So what is important in this is, first of all, free moisture content in the product. Jo crystal formation hota hai, wo free moisture content se hota hai. Second is, how do you freeze? So there are various technologies, blast freezing hai, IQF hai. So if you can freeze rapidly, the crystals don't grow. If you freeze bulk and slowly, crystals will grow. So that is a critical part as well. And then last part is thawing. So when you bring the temperature back to normal, it has to be done gradually. Aap directly freezer se jaldi deliver service karna hai, isliye aapne 60 degree oven mein rakha, that will be more problematic. Instead of you keep it in an ambient condition, 20-25, where thawing is slow. Right. It largely depends on the product, but many of the products behave in this manner. Correct. Very nice. Vinay ji, a quick question from your side. Vinay Nakwal ji. Hi, Firoz bhai, and all the members of the panel. It has been a very, very, very informative program. And thank you so much, Firoz bhai, for taking the initiative and starting it. I have been using MAP technology since almost 4 to 5 years now. And I have been exporting to the whole UAE. I must sum up, taking your permission, three four factors hai jo isme bahut important hai. Pehla factor hai Mr. Vivek Chogle. Kahin bhi phans jaoge na to wo brahmastra hai, wo aapko bahar nikal hi denge. Kisi bhi cheez mein guarantee hai Vivek Chogle aapko bahar nikal lenge. To dusra factor hai aapka isme hygiene. Hygiene kya, agar jitna acha hygiene hoga jahan pe aapki facility hai, jahan manufacturing hoti hai, aur usme utna hi aapko lambi life milegi. Aur jo teesra factor hai jo ek temperature hai. टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे इसको पैकेजिंग के अंदर. और जो चौथा फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीजन, जैसे मिस्टर पराग ने भी बताया और विवेक चौगले साहब ने भी बताया, सीजन के साथ में हमें चेंज करना होगा. इसकी जो परसेंटेज, किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि परसेंटेज में पूरा खाली करना पड़ता है. आजकल ऐसे मिक्सर आ गए हैं जिससे बहुत कम गैस होती है, तो उसमें पूरा खाली नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम वेस्टेज होगी इसकी गैसेस की. ओवरऑल मैंने अगर कुछ मिस कर दिया, आई एम श्योर कि मिस्टर विवेक चौबे जो हमारी एनसाइक्लोपीडिया है इस मैप की, वो जरूर हेल्प कर सकते हैं. बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर एडिंग मोर वैल्यू टू द यू नो एंटायर वेबिनार विद योर प्रेजेंस एज वेल एज हमारे स्पीकर्स पे आपको बहुत भरोसा है, तो मुझे लगता है कि आपके सवाल में ही जवाब छुपे हुए. फिर भी विवेक जी, इफ यू कैन से अ फ्यू वर्ड्स टू हिम. फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रह्मास्त्र, दिस इज अगेन लर्निंग. ये एक दिन में तैयार नहीं हुआ है. आई एम कंटिन्यूसली लर्निंग. मैं इंडिया वापस रिलोकेट होने के पहले यूएस में था, जहाँ पे काफ़ी फूड टेक्नोलॉजी मैंने देखी सीखी है. हाउएवर, आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया, सिचुएशंस आर डिफरेंट, प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट. एवरी डे इज अ लर्निंग डे. आज भी मैं हर एक दिन कुछ नया एनकाउंटर करता हूँ. तो सेम थिंग आई मेंशन अर्लियर, ऑल ऑफ अस नीड टू बी ओपन
to learn and then apply those learnings right. to our right. products, right. our businesses. और बाकी जैसे विनय जी ने कहा कि आपके सीजनैलिटी जैसे टेम्परेचर चेंजेस है प्रोडक्ट्स है इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कंसिस्टेंसी वट एवर यू कैन स्टैंडर्डाइज जो कंसिस्टेंटली कर सकते हैं वो करना चाहिए इसमें आपको कुछ प्रैक्टिसेस चेंज करनी पड़ेगी जो अभी कर रहे हैं उससे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मगर वो आपको करना करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा मैप आपको हमेशा बेनिफिट देगा मगर जो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो ज्यादा जब मिलेगा आप कंसिस्टेंट एक प्रैक्टिस फॉलो करते हो कंट्रोल सिस्टम्स है प्रोसीजर्स है तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उसका करेक्ट करेक्ट एक एक बहुत क्विक क्वेश्चन लूंगा मैं यहाँ पे किशोर जी हैं किशोर जी को दूंगा किशोर जी अगर आप अपना क्वेश्चन करना चाहते हैं क्विकली यू कैन आस्क योर क्वेश्चन देन मेरा टाइम ऑलरेडी काफी क्रॉस कर चुका है आई विल हैव टू स्टॉप दिस क्वेश्चंस और जो भी हैं वो बाद में आते रहेंगे किशोर वीके साहब अगर आप क्वेश्चन करेंगे अनम्यूट कर लीजिए अपने पास से आई हैव डन फ्रॉम माय साइड अगर आप अपना क्वेश्चन रेज करना चाहते हैं किशोर जी नो प्रॉब्लम वी हैव मिस्टर परिमल दोषी परिमल जी आप अपना क्वेश्चन रख दीजिए दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन आई बिलीव आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं परिमल दोषी फिरोज जी from Calcutta good afternoon and lockdown greetings to all of you from Calcutta the land of Mishti Doi and Sandesh right quick question can it be used for very delicate mithais like Sandesh Mishti Doi etc and second thing I joined the webinar late there were too many webinars today I'm sorry but I had a quick question. The technology and the equipment is from which origin and which brand? That's all I just wanted to ask. Thank you. Yeah, Parag ji, can you please take it? Parag ji, thank you very much for joining this webinar. So I am representing Nichrome India Limited, which is a very much Indian origin company. So practically we have started the manufacturing packaging machine business or started manufacturing packaging machines way back in 80s. और जो इंडिया के अंदर पहले मिल्क पाउच पैकेजिंग मशीन बनी थी वो हम लोग ने बनाई थी नाउ फॉर दिस एमएपी टेक्नोलॉजी वी आर पार्टनर विद कंपनी नेम टेक्नोवैक व्हिच इज अ इटालियन कंपनी आपका जो सवाल था संदेश और मिष्टी दोई के लिए संदेश हम लोग ने अभी ट्राई किया नहीं है लेकिन आई एम श्योर अबाउट मिष्टी दोई और प्रोडक्ट वेरी पैरेलल टू संदेश व्हिच इज गुलाब जामुन वेरी सून वी विल स्टार्ट ट्रायल्स ऑन दैट सर वेरी गुड Parag ji, just one point. Sandesh, there are 500 varieties in Bengal, for example, and, oh, right. and obviously all over India. Right. Unfortunately, it is a very delicate mithai. Okay. So it's a very gentle mithai. Okay. And I am in Calcutta in touch with all the Bengali sweet manufacturers, and we are already supplying equipment to them. And system, okay. so that is the reason I asked these questions, and thank you for that. Okay. Yeah. Welcome. Thank you. Thank you, sir. Yeah. So, मुझे लगता है कि we have to close this session because we need a file to upload on YouTube so that it should not go beyond the limits. So I will have to because there are many questions, many hands people have are raising. Still, there are 15 more questions to be addressed, but I am sure I will pass on these questions to Parag ji and to your team. So that they can yes. be addressed, and if it is required, then Bajubai is always there. Indraneel ji is always there. I would request Anil Saini ji to say a few words and thanks the all the speakers on behalf of FSNM. आप अगर बोल के एक दो शब्द बोल के फिर हम इसको खत्म करते हैं। नहीं, बहुत अच्छा सेशन रहा फिरोज भाई। सभी ने अपनी-अपनी जो जानकारियां दी है, विशेषकर मैं बेजू भाई को बोलूंगा, जो कि प्रैक्टिकल भी हैं। और उन्होंने जो प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं और बहुत सारी जो चीजें कवर की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेजू भाई को साथ में लेके एक पूरा 2-3 घंटे का सेशन बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमारी सारी जो ये क्वेरी है वो सॉल्व कर सके। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बेजू भाई, मुझे लगता है कि एक भावनगर का टूर देना पड़ेगा आपको, सबको, हमें, हम सब भावनगर आएंगे और फिर एक दिन का पूरा आपका प्लानिंग करेंगे। तो और वो अच्छे होस्ट हैं, मुझे मालूम है।
तो हम लोग ऐसा कुछ प्लान करेंगे होपफुली कि जल्दी ये लॉकडाउन खुल जाए और किसी तरीके से यू नो वी स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ आवर हाउस. तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच. मैं अब यही कहूंगा कि वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द शो. आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी देयर ऑन यूट्यूब चैनल FSNM न्यूज where people can take the benefit of this entire recording and they can still send their questions below in the comment section. I will definitely pass on to the right people, especially to Mr. Parag Patwardhan, Nykron team. I will thank all the speakers, Indraneel, Anil ji, Vivek ji, especially Baijubhai Mehta, Sir Baijubhai Mehta, because he's become an authority now. आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आके इस वेबिनार को और सक्सेसफुल किया. एंड ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर FSNM टीम एंड मिठाई नमकीन टाइम्स आई से थैंक्स टू Nykron फॉर सपोर्टिंग अस विद दिस सच अ ग्रेट नॉलेज एंड देयर हेल्प टू ऑर्गेनाइज दिस वेबिनार. थैंक्स एवरीबॉडी. हम लोग फिर मिलेंगे और होपफुली हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं चैनल के वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. थैंक यू सो मच. नमस्कार. सलाम. Thank you. Thank you all. Thank you, Inadil ji. Thank you, Baijubhai. Thank you, Anil ji. Thank you.